शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे भाई प्रीतम, ये अचानक कहाँ गायब हो गए थे तुम? तुम यहाँ नहीं थे तो सुबह की सैर में कॉफी भी पीने को नहीं मिली। कहाँ चला गया था सर? कोई जमीन जायदाद हाथ लगी है क्या? हाँ साहब, ये खड़ी है। ये कौन है? दूर की एक रिश्तेदार है, एक माँ थी इसकी जो चल बसी। मुझे खबर मिली तो पता करने गया और ये बोझ लेकर वापस लौटा। क्रियाक्रम के बाद सब रिश्तेदार तो चलते बने। जब इसने कहा इसे कोई काम चाहिए तो मुझे याद आ गया आपको एक नौकरानी की जरूरत है। कौन जात है? अपनी जात की है। वो तो नजर आती है, लेकिन आंखों में शरारत की चमक भी है। वो तो इसलिए साहब कि आप इसे एक जज की नजर से देख रहे हैं। लड़की शरीफ है। वैसे आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सो तो है। ए लड़की, ठीक ठाक काम करोगी? अभी तो सर हिला रही है, एक बार काम शुरू किया तो रंग ढंग ही बदल जाएंगे। ये ऐसा नहीं करेगी सर, क्यूरी। घर हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, करने को काम बहुत है। एक गधा है यहाँ, उससे भी पूरा काम लो। बद्री भैया नजर नहीं आ रहे? बाजार गया है दोपहर का खाना लेने के लिए। ओ, रात के खाने तक शायद आ जाए। अरे हाँ, वो तुम्हारा दोस्त है ना, एक क्या नाम है उसका, छगन। हाँ, जो कुछ भी हो उससे कहना कि अगर वो मुझे कहीं नजर आ गया तो वो इस जगत में नहीं रहेगा। इसको क्या तनख्वाह देनी है? जो आपके जी में आए सर। जाओ अंदर। जाओ जाओ। प्रीतम जी, ये तुम्हारी कोई चाल है या उलझा हुआ केस? क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं जानता नहीं क्या, ये अदालत है। उसे भी ये बता दिया है ना? हाँ साहब। हाँ पिता स्वर्गवासी सोमनाथ को मैं बहुत सालों से जानता था। उन्होंने मुझे रेस का शौकीन बनाया था, बहुत कमाल के जॉकी थे वो। मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा। वैसे तुम्हारी माँ भी बहुत बड़े खानदान से थी, और तुम्हारे स्वर्गवासी नाना वो रॉयल टी एस्टेट में बहुत बड़े ओहदे पर थे। जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनके बारे में क्या सोचना, कुछ इस गरीब के बारे में सोचिए जो आपके साथ साथ ये फ्लास्क उठाए चल रहा है। कोई नौकरी सर? बरकरदार, ये सवाल तुम मुझसे 50 बार पूछ चुके हो और मैं 50 बार बता चुका हूँ कि मैं खुद रिटायर्ड आदमी हूँ। मैं तुम्हें नौकरी कहाँ से ढूंढ कर दूंगा? तुम खाना बना सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो,
अगर तुम हाँ बोलोगे तो भी मैं तुम्हें वो काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त सोमनाथ के बेटे हो। लेकिन सर मैं खैर, मैं कोशिश करूंगा। आओ। जान बची, बुड्ढा इस तरफ नहीं आया और तुम बड़े बलखाते हुए चले आ रहे हो, झूमते हुए, लहराते हुए, मस्ती के साथ चले आ रहे हो। उस बुड्ढे को इधर लाने की क्या जरूरत थी? मेरा काम है उनके साथ घूमना, अगर वो इस तरफ आ गए तो मैं क्या करूं? उसकी रोनी सूरत देखिए, अगर ऐसे ही तुम उसके साथ घूमते रहे तो एक दिन तुम्हारी सूरत भी वैसे ही हो जाएगी। तुम्हें तो खामोखा उनसे चिढ़ है। मुझे? हाँ। वो जब से ऊटी में आया है उसे किसी ने हंसते हुए नहीं देखा है, अगर कोई उसे हंसा दे तो 5,000 रुपए इनाम मिले। अच्छा? हाँ। और सुनो, मेरे बारे में उसे कुछ बताया तो नहीं? क्यों, रखा क्या है तुम्हारे बारे में कुछ बताने को? पक्का? झूठ बोलूंगा क्या? तब तो मैं बच गया। साला 2 साल से मेरे खून का प्यासा है, जज तो रहा नहीं लेकिन अभी भी फांसी पे चढ़ाने की हैसियत रखता है। ऐसा क्या किया है तुमने? जब ये रिटायर हुआ था तब मैंने इसकी फोटो खींची थी सारे स्टाफ के साथ अदालत के, लेकिन मैंने फोटो दी ही नहीं। क्यों, इस डिब्बे में फोटो नहीं उतरी क्या? उतरती तो तब ना जब कैमरे में रील होती। अरे सुनो, एक छोटा सा बैग तो दे दो। लाश खाली है। मेरे घर में डैडी की एक भी तस्वीर नहीं है भैया, अगर हो सके तो मुझे भी एक कॉपी बनवा दीजिए, वरना लोग क्या कहेंगे? ओ, तो लोगों के दिखावे के लिए रखना चाहती हो? इसका मतलब है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ये फोटो इसलिए नहीं लगा रखी कि लोग कुछ कहें। अगर ये महान आत्मा मेरी मदद ना करती तो एक मामूली सा गरीब कैंटीन बॉय गोपी चंद वर्मा जस्टिस गोपी चंद वर्मा नहीं बन पाता। हाँ माया, तुमने वो जो केस पेपर मुझे भेजे थे ना, वो मैंने अच्छी तरह से स्टडी किए। मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन काफी वीक है और तुम एक लोअर कोर्ट मैजिस्ट्रेट की हैसियत से 7 साल तक की सजा दे सकती हो। हाँ, खाना वाना तो खा के नहीं आई होगी ना? नहीं। बद्री, हमको गिरफ्तार करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। तू पहला बंदा है जिन्हें एक गलती की थी। जब हम जेल जा रहा था हम बोला था तुमको इस गलती की सजा हम जरूर देगा। मैं तो जैसों से नहीं डरता, तू क्या कर सकता है वो मैं देखना चाहता हूँ। तेनु यही बताने तो हम जेल से बाहर आया है। आज तो बाद इन हाथों से तुम किसी को हथकड़ी नहीं लगाएगा। यखान को हथकड़ी लगाया, यखान नु जेल भेजा, कट देते थे साले तो चलो हाथ। अब जिंदगी भर सड़क पर भीख मांगेगा। वर्मा जी, दवा वक्त पर ले लिया कीजिए और भारी बोझ मत उठाइएगा, वरना पीठ का दर्द और बढ़ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। डैड, क्या आपने मैनेजर से कहा है कि मैं स्टेट के अकाउंट्स हैंडओवर कर दूं? हाँ, इस महीने से अकाउंट्स मैं खुद देखा करूंगा। क्यों, हम पर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। पिछले 3 महीने में तुमने और तुम्हारे जीजे ने मिलकर 23-24 हजार रुपया हड़प कर लिया है और एस्टेट की देखभाल भी नहीं की। जीजा जी बहुत परेशान थे, शिकायत कर रहे थे मुझसे। अच्छा, तुमसे शिकायत कर रहा था? क्यों, तुम अपने इलाके के कलेक्टर हो या एसपी? देखिए, अगर आप इस तरह से जीजा जी से बात करेंगे जिस तरह से आप मुझसे कर रहे हैं तो कल आपकी बेटी लंगड़ाती हुई आपके घर आके बैठ जाएगी। आ जाए, मैं उसकी देखभाल कर लूंगा, आखिर वो मेरी बेटी है। मैंने दहेज में उसकी लंगड़ी टांग का भी हिसाब किताब जोड़ दिया था। कहीं तुम साले जीजे मिलकर उसे लूट तो नहीं रहे? ठीक है, जाने दीजिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। देखो, अच्छे बच्चे बनो और एस्टेट पर जाकर रहो,
चाहो तो तुम्हारी तनख्वाह मुकर्रर कर देता हूँ। एस्टेट चलानी मुझे भी आती है। देखा प्रीतम, ये मेरा बेटा है, कितनी इज्जत करता है मेरी नालायक। आजकल की नस्ल ही कुछ ऐसी है सर। अरे हाँ प्रीतम, मैंने तुम्हें बिजली का बिल पे करने के लिए बुलाया था। इस उल्लू के पट्टे को भेज दिया तो 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। सुन लो साहेब, हम हूँ बहुत परेशानी में हैं। ये पहाड़ जैसन घर का हम अकेला रखवाली नहीं कर सकता हूँ। कम से कम रसोई घर के लिए एक रसोईये का बंदोबस्त कर दो, नहीं तो हमारा क्रियाकर्म हो जाएगा। प्रीतम जी, इसके क्रियाकर्म के लिए एक आदमी का बंदोबस्त करो। क्या? हाँ हाँ, रसोई के लिए। मैं बिजली का बिल और पैसे लेकर आता हूँ। अच्छा सर, ससुर मुछंगर की खुपड़िया में भूसा भर गवा है। तुम देखे हो लौंडे को, काला कोट पहन के जो गया है। और इसकी माँ इससे भी 4 गुना तेज है। अरे क्लब के अंदर ठकाठक पत्ते खेलत है, पति पत्नी और वो की कहानी सिलावत है। मजाल है कि कभी रसोई घर में पैर डाल दिया हूँ। यही तो कारण है कि ये टकलू 20 साल से अपना घर छोड़कर यहाँ आनकर बस गया है। हम ही तो है जो इसकी सुनते हैं। अरे गुस्सा को मार पे और डाले गधे के ऊपर, यही हाल तो हमारा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे बदलाइए, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? ठीक है, तुम भी उन्हीं में से हो, देख लेंगे। हम रट्टे माने दो, पढ़ाया टांगा लेकर। अब अगर मैं अपने पत्ते ठीक तरह से फेंकूं तो 100 रुपए की कमाई जरूर हो सकती है। मैडम आपके गाल सेब की तरह लाल हैं। आप राजकुमारी हैं ना? आप अगर बताना नहीं चाहती तो मैं पूछूंगा भी नहीं। वैसे मैडम मैं कुलिकम गाइड हूँ, 2-in-1। मैं यहाँ पर आपको जगह दिखा सकता हूँ। चलिए मैडम प्लीज।
यह यहाँ का सबसे बड़ा होटल। नारायण, वन मिनट। मैडम, ये है नारायण, अपना यार है। नारायण, ये है राजकुमारी नंदिनी, डूंगरपुर पैलेस से। ऐसे तीन चार होटल हैं इनके। कैन आई हैव माय कीज? थैंक यू, वेलकम। अब क्या कह रहे थे तुम? इन्हें एक रूम चाहिए अपने होटल में, सबसे बड़ा रूम। इस वक्त कोई सूट खाली नहीं है। क्या कह रहे हो यार? मैडम को बहुत मना फसला कर यहाँ लाया हूँ, आप मुझे जलील मत करो, प्लीज कुछ कर यार। आप 15 मिनट इंतजार करें तो एक रूम खाली होने वाला है। मैडम काइंडली सिट इन द लॉन्ज प्लीज, जैसे रूम रेडी होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके ओके, दैट विल डू, दैट इज माय रीजन इज मैडम। आइए आइए। यहाँ कमरा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैडम जगह आपको जरूर पसंद आएगी। ऑल फैसिलिटीज, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, वेजन ऑनवेज फूड, वंडरफुल रेस्टोरेंट, 24 आवर्स सर्विस। नारायण है यारों का यार, कुछ भी कहो। मैडम कह रहे ख्यालों में खो गई है क्या? मेरी सर्विसेज की अब आपको जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ मैडम। मैडम ये मेरा बिजनेस है और यही मेरी इनकम, मैं जो कुछ भी कमाता हूँ वो ये मेरे लिए कम है? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है। अब मैं चलता हूँ मैडम, जरूरत पड़ी तो कल आऊंगा। नारायण, मैडम को रूम जल्दी दे यार। अरे ये धनिया, तेरा दुकान में जितना खाने पीने की चीज है ना, ये डब्बा के अंदर ठूस ठूस के भर दे। वो टकलू भैंसा वहाँ मुंह फाड़े बैठा है, उसके मुंह में जाके झोंक देंगे। पंडित जी, 82 रुपए उधार है ना, ये लो 100 रुपए। अरे छुट्टे से लेते जाओ, कीप द चेंज। ये लगता है इसकी लॉटरी निकलेगी भाई। अरे लॉटरी उसकी कहाँ से निकलेगी? लॉटरी निकलेगी हमरी, फिर हम उस मुछंगड़ वर्मा को बताएंगे कि हम का चीज है। बहुत अकड़ फू करते है, फू निकाल कर रख देंगे। आज तक ये हजारों रुपए की टिकट खरीद चुका है, अगर जमा किया होता तो अमीर बन गया होता। चलता है बदन, चलता ले शराबी, हम जाम मुंह खोल और पी जा। और ये देख चपाती और फ्राइड चिकन तेरे भूखे पेट को भरने के लिए। अरे यार, ये मिलिट्री की रमकार से हाथ लग गई तेरे। अरे माल खर्चा है माल, हम बांट के खाने वालों में से हैं, तुम्हारी तरह माल छिपा कर नहीं रखते कंजूस। और ये देख, आहा, 100 रुपए का नोट, पहले कभी देखा है? कहाँ से चोरी की? अरे चोरी करना तेरे बाप का पेशा है। इतनी मोटी रकम हाथ कहाँ से लगी तुम्हारे? तुमने राजयोग के बारे में सुना है? नहीं सुना। मेरी कुंडली में राजयोग लिखा है और आज सुबह से वो योग शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन पर आज एक राजकुमारी उतरी मेरी तकदीर का सितारा बनकर। अच्छा, जरा खुल के बताओ। अरे तुम क्या जानो, वो कितनी शानदार है। आंखें हैं जैसे चेहरे पर दो चमकते सितारे और नाक, ओ हो, नाक की तो बात ही मत कर यार तू। क्यों, नाक नहीं है क्या? है, लेकिन तुम्हारी भोंदी नाक जैसी नहीं। होंठ और गाल गुलाबी लाल लाल, मुझे लगा किसी अंग्रेज की औलाद है। क्या स्टाइलिश ड्रेस, और अंग्रेजी तो यू फर बोलती है। अरे बंद करो यार ये। अरे आगे तो सुनो। When it's style, she's got something new with the pan, a toy, and a love, and kiss, and a toy. मतलब? ओहो मैं भूल गया, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें तो सिर्फ दो ही लफ्ज आते हैं, वेलकम टू ओटी, नाइस टू मीट यू। मेरे लिए इतना ही काफी है। अंग्रेज की औलाद, इन दो लफ्जों के सहारे ही मैं तुम्हारे जैसे बैल का पेट भर रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारा चारा और पानी नहीं चाहिए। और उसने कहा, Hey handsome, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने कहा ओके। तो उसने मुझे 1000 रुपए दिए और कहा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सी यू टुमारो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात यहां तक आप पहुंची है, क्या करूं। कहां ठहरी है? मैं पूछ रहा हूं कहां ठहरी है? है, कहां ठहरी है? होटल रॉयल टावर के रॉयल स्वीट में राजकुमारी आराम फरमा रही है। हम कल सुबह मिलने वाले हैं। यार मुझे भी बुलवा दे, मैं भी एक दो चार फोटो खींच लूं। बिल्कुल नहीं, तुम ठहरे गंदे आदमी, फिर भी तुम्हारी लंबी दोस्ती का लिहाज रखते हुए मैं तुम पर एक मेहरबानी कर दूंगा। लगता है
अगले हफ्ते हम सिंगापुर जाने वाले हैं। कहाँ? सिंगापुर। हाँ, हम वहाँ ऐश की जिंदगी गुजार रहे होंगे। और तुम यहाँ अपना डिब्बा गले में लटकाए हुए टूरिस्टों के पीछे पीछे दुम हिला रहे होगे। तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें कुछ डॉलर्स भेज दूंगा मनी ऑर्डर से। अब मेरे राजो के बल पर तुम भी ऐश करो और चाट जाओ चिकन। प्रीतम साहब। कौन है मैं? एंथनी, क्या बात है? आपको होटल बुलाया सर। ओ, राजकुमारी को मेरे बिना चैन नहीं। देखो जगन, शायद वापस ना भी आऊं। डिनर राजकुमारी के साथ करूंगा, सो भी मार सकता हूँ। आए, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ओके, बाय, सी यू। ये सब तुम्हारा किया धरा है। नारायण, बात क्या है? अंधे हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आता तुम ही इस मुसीबत को यहां लाए थे। पूछो इससे कौन भरेगा नुकसान। मैडम, हुआ क्या? इसने कहा कि मुझे कमरा देगा और बैठने को कहा, अब तक मुझे कमरा ही नहीं दिया। ये तो मेरे सामने कहा था, अगर कमरा खाली नहीं था तो साफ साफ बता देते। इंतजार कराने का मतलब? हम होटल चलाते हैं, कोई यतीम खाना नहीं कि मुफ्त में कमरा दे दें। मुफ्त में कमरा किसने मांगा है? उससे पूछ। मैडम, आपने कहा आपके पास पैसे नहीं है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। सुना आपने? मैं जानता था ये ऐसा नहीं कह सकती। उससे पूछो उसने क्या कहा। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि बंबई का प्रधानमंत्री मेरा चाचा है, वो पैसे भेज देगा। हाँ, इसने कहा कि इसके चाचा पैसे भेज देगा। आप बॉम्बे वो हो? क्या कहा? तुम्हारा चाचा बंबई में क्या है? प्रधानमंत्री। इस पर इस ईडी ने कहा कि होटल मेरे चाचा का नहीं है, तो मैंने पूछा तुम्हारे चाचा का है क्या? तो उसने मुझे साली कहा, मैंने उसे कुत्ता कहा। फिर एक आदमी मुझे पकड़ने को आया, तो मैंने अपना छाता लेकर उसके तोने घोस दिया। उसने मेरा छाता पकड़ लिया, तो मैंने वहाँ एक फोटो था ना, उसे नीचे फेंककर तोड़ डाला। फिर एक और आदमी मुझे पकड़ने को आया, तो मैंने वहाँ से फोन लिया और उसके सर पे सेम मारा। फिर एक साहब आया, वो कहने लगा कि वो होटल का मालिक है। तो मैंने उसके बाप दादे परदादे सब की ऐसी की तैसी कर दी। जब उसने पुलिस को फोन करने की धमकी दी, तो मैंने वहां से गुलदान उठाया और उसके सर पे टेप मारा। उसका सर फूट गया और इसे अस्पताल ले गए। मैंने और कुछ नहीं किया, बस इतनी सी बात पे ये सारे लोग इतना शोर मचा रहे हैं। पागल हो ना? ये सवाल तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है, वो क्या होता है? नारायण, मैं क्या करूं? मैंने अब तक पुलिस नहीं बुलाई क्योंकि तुमसे पुरानी पहचान है। इसने 500 रुपए तक का नुकसान कर दिया है। अगर मुझे रुपए मिल जाए तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पास पैसे हैं? कितने थे तुम्हें दे दिए? हाँ, एक अटेंडेंट बची है, उसे को कमरा दे। नारायण, ये लड़की खतरनाक पागल है, इससे पहले कि कोई और मुसीबत खड़ी कर दे, ले जाओ इसे यहाँ से। लेकिन यार मैं ले जाओ। तुम ले जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? मत बुलाओ। पांच सौ फिक्रे लेकर ऊटी की सैर करने आ गई। गिलरी की तो मैं तुम्हें पूनम का चांद भी तोड़कर ला दूंगा, फिर तो तुम चली जाओगी ना। मेरे पैसे लौटा दो, मैं चली जाऊंगी। अगर पैसे होते तो पैसों के साथ साथ एक लात भी रसीद कर देता। पैसे चाहिए? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? ऊपर देखो, मुंह खोलो, गहरी सांस लो और हवा खा जाओ। भूख लगी है? मुझे जब इतने पैसे मिले तो मैं समझा ये बैग नोटों से भरा है। लेकिन ये तो बहुत भारी है, आखिर है क्या इसमें? आटा पीसने की चक्की या कुछ और? सुबह सुबह गधे के दर्शन हो गए थे, इसलिए हाल हो रहा है। बस अब और नहीं उठाया जाता मुझसे। ये लो। क्या तुम कबाड़ी का धंधा करती हो?
क्या कहा तुमने? गधा, वापस डालो। दूंगा एक थप्पड़ खींच के। मेरे पैसे हड़प करके अब मुझे डांट रहे हो, ऊपर से मेरा बक्सा भी तोड़ डाला। मेरे पैसे लौटा दो, मैं चली जाती हूँ, मुझे पैसे चाहिए। रो मत, रो मत मेरी बच्ची, रो मत। हाँ छोड़ता हूँ तुम्हारे, मैं अभी ये सारा कचरा उठाकर वापस डालता हूँ। हे भगवान, ये किस मुसीबत में तुमने मुझे डाल दिया? ये तो किसी और मिट्टी की बनी है, इसे तो बड़ी होशियारी से काम लेना पड़ेगा। तीर सजाना बगियन में ओ। तुमने इसी राजकुमारी का जिक्र किया था। हेलो मैडम, वेलकम टू ऊटी, नाइस टू मीट यू। मत छूना मुझे, बंदर कहीं की। ये पागल है क्या? तुमने तो कहा था ये डूंगरपुर की राजकुमारी है। तू इधर आ। तूने ठीक कहा, ये लड़की पागल है, मर गई। जिन जंजीरों के साथ इसे बांध कर रखा गया होगा वो तोड़कर यहाँ भाग आई है। अगर तू मुझे सिर्फ 500 रुपए उधार दो तो इस मुसीबत से किसी तरह पीछा छूट सकता है यार। तुम हो इसी काबिल, बड़े शेखी मार रहे थे। याद है तुमने क्या कहा कि जब मैं सिंगापुर जाऊंगा तो वहां से तुम्हें मनी ऑर्डर करूंगा। तो भैया जब सिंगापुर जाओ वहां से मनी ऑर्डर करो तो उसमें से 500 रुपए काट लेना, लेकिन इस लड़की के लिए मैं एक ढेला नहीं दूंगा। क्या दोस्त, तुम भी मेरा साथ छोड़ रहे हो? मुझ पर भरोसा मत करना, मुझे इस मामले में तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। क्या अकड़ अकड़ कर बातें करते थे, मेरा राजयोग शुरू हो चुका है, मुबारक हो, ऐश करो। यार तो इतनी मेहरबानी करो, आज रात इसे सो जाने दो। और अगर इसने कुल्हाड़ी या दराती लेकर मेरा सर काट डाला तो? एक भैया तुम्ही को साथ में रखकर फुटपाथ पर आ गया हूँ, अब इस मुसीबत को भी पालू तो क्या करूँ इसका? पटकाओ कहीं जाके। अरे कोई कुत्ता है बिल्ली है जो पटकाओ? तुम कुछ भी कहो, आज रात इसे सो जाने देना ही पड़ेगा, कल सुबह तक कुछ तो कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। ओके। अरे यार कुछ तो बोल। ओके। जरा संभल कर रहना, दूर से बड़ा खतरनाक प्राणी है। मुझे भूख लगी है। मेरी प्यारी बच्ची तुम यही रुको, मैं अभी डबल रोटी और अंडे लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ वरना सारे कबूतर खा जाएगी। दो आइसक्रीम। बस सिर्फ दो, इस ठंड में आइसक्रीम खाने का बहुत मजा आएगा, है ना? और क्या मिलेगा? हाथी के उबले अंडे खाओगी? एक प्लास्टर भी लेके चले आना इसका मुंह बंद रखने के लिए, इसके बोलने से मेरा सर फटता है, और क्योंकि सर फटता है इसलिए सरदर्द की दो गोलियां भी ले आना। बंदर, वो बंदर, वो बंदर जो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम नर्क जा रहे हैं। नर्क देखा है तुमने? हाँ सुना है, वही है ना जहाँ आदमियों को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डालते हैं, बर्फ के पानी से नलाते हैं और आग में जलाते हैं। बिल्कुल। मुझे नहीं जाना वहाँ, फिर हम कहाँ जाएंगे? हाँ हम स्वर्ग जाएंगे, सुना है बड़ी प्यारी जगह है, वहाँ देवी देवता है, खाने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट आइसक्रीम, बड़ा मजा आएगा। कहाँ गया? सवेरे सवेरे दौड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है ना? जी नहीं, मेरी सेहत के लिए नहीं। पहले तुम सर्कस में थी क्या?
मैं तो तो अब शामिल हो जाओ। क्या गजब का सेमिनार है। ओह, ये सब कुछ कब से शुरू किया तुमने? क्या? यही शहर में आवारा घूमना? तुम्हारे घर में कोई पूछने वाला नहीं है क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? अब तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ, ले जाता हूँ। यहाँ खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? हे माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझसे और दुख नहीं उठाए जाते। कुछ फिरफुर नहीं, अब कोई रास्ता नहीं बचा। भगवान, अब तुम्हारा ही सहारा है। मैं कैसे प्रार्थना करूँ? दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ खड़ी हो जाओ, वहाँ देखो और आंखें बंद कर लो। तब 15 मिनट तक तुम आंखें बंद रखोगी, उसके बाद तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, आंखें खोलो, आंखें खोलो। और जब तुम आंखें खोलोगी तो तुम एक ज्योति प्रकट होती नजर आएगी। हाँ, मैं ज्योति को जानती हूँ, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। वो स्कूल में पढ़ने वाली ज्योति है और ये आकाश में उठने वाली ज्योति है। तुमने लाटो वाली माँ का नाम नहीं सुना है? आग आग। ज्योति दिखने के बाद फिर क्या? ज्योति से जो भी मांगोगी फौरन मिल जाएगा। हाँ? अगर तुम कहो ये पहाड़ फूलों से ढक जाए तो फौरन चारों तरफ फूल ही फूल खिल उठेंगे। अगर तुम कहो संतरे तो चारों तरफ संतरे ही संतरे दिखाई देंगे। आइसक्रीम? तो आइसक्रीम मिलेगी। और चॉकलेट आइसक्रीम? हाँ, तो पहाड़ चॉकलेट आइसक्रीम से ढक जाएगा। लेकिन सच्चे दिल से मांगना। हाँ? और जब ज्योति जी प्रकट हो तो डरना बिल्कुल नहीं, जो जी में आए मांग लेना, ठीक है? अब वहाँ देखो, आंखें बंद कर लो और ध्यान उस तरफ रखो। और सुनो, ज्योति जी से अगर पैसे वैसे मांगो तो थोड़े पैसे मेरे लिए भी मांग लेना, शर्माना बिल्कुल नहीं, ठीक है? अभी छाता वाता यहाँ रखो और अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू करो। ज्योति जी प्रकट होने वाली है, आंखें नहीं खोलना वरना ज्योति जी नाराज हो जाएगी और आइसक्रीम खाने को नहीं मिलेगी। जब तक आवाज सुनाई न दे आंखें मत खोलना, ठीक है? ज्योति जी जल्दी आ जा, जल्दी आ जाना। छूट गया पीछा। हे माँ, छोड़ा है उसे। कहाँ छोड़ा है? उसे पर्वत की चोटी पर ले गया, छोड़ा और भाग आया। अरे यार, तुम आदमी हो क्या कसाई हो? वहाँ तो जंगली जानवर रहता है, खा जाएंगे उसे, उसके छिछड़े भी नहीं बचेंगे। देखो, अब ज्यादा जज्बाती बनने की कोशिश मत करो, मैंने जुल्म तुम्हारे डर से किया है। अब अगर हमदर्दी दिखाओगे तो इतना मारूंगा कि थोड़ा बिगड़ जाएगा। खूब खजूर में अटका कर, क्या कहते वो? खजूर मैंने आसमान। हाँ, एक ही बात है, मेरे लिए एक पैक बनाना, आज एक दो पैक मार कर सो जाऊंगा। क्यों, कोई बोतल खरीद के रखी यहाँ पे? वो बोतल कहाँ गई जो मैंने यहाँ रखी थी? कौन सी बोतल? अरे वही रम की। अच्छा, वो तो यार मैं वो लड़की की घबराहट के मारे पी गया पूरी बोतल। यार अब जो हो गया सो हो गया, तुमने एक तरह से बहुत अच्छा किया। क्या बहुत अच्छा किया? जब तक रही कमबख्त चैन से खाना नसीब नहीं हुआ। यार कोई बात होती मर जाए हमारी तरफ से, हमें क्या करना है? ऐसा नहीं है जमाने का भाई, जो भी खाना हम अपने लिए लाते थे उसके पेट में पहुंच जाता था। जब देखो तब चिल्लाती रहती थी, मेरा का भूख लगी है, मेरा का भूख लगी है, कटोरी कहीं थी। अरे यार, ये तो मेरी ड्राई क्लीन की ड्रेस है, कल पहननी है। देखो भैया, 6 पराठे हैं, 4 मेरे लिए, 2 तुम्हारे लिए, और ये रही चिकन करी। बोटिया तुम्हारे लिए और करी मेरे लिए, है ना? अरे चाट जा करी। कंजूस हमेशा कंजूस ही रहता है साला, और फटीचर हमेशा फटीचर ही रहता है। भगवान मेरे साथ है। याद है तुमने क्या कहा था जब राजकुमारी के साथ डिनरिंग के लिए जा रहे थे? याद है क्या कहा था? ऐसे 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 करके उस अंग्रेजी में मुझे मारा था मेरे कंधों के ऊपर। जाओ देखो, शायद मुरारी आया है। फोटो लेना आया तो फोटो जाकर दे दो। ये मुरारी की नहीं है। अरे तो यार, इनमें से होगी कोई मुरारी की। अरे वाह, ये तो कलर में है। तुम्हारा डिब्बा कलर में भी फोटो लेता है? जाओ यार। Mm-hmm.
न ज्योति प्रकट हुई न कोई आग निकली। पता है कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पहुंची। जब मैं भागी आ रही थी रास्ते में मालूम है क्या खड़ा था? एक बड़ा जंगली हाथी, पर मैं बच निकली। कैसे? हाथी से देख के भाग के आ? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे किसी भी तरह जिंदा नहीं रहने दोगी, है ना? हाँ? गुस्सा मत हो यार, गुस्सा मत हो। मेरी अपनी ये हालत है कि कभी भी पागल हो सकता हूँ यार। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ यार। देख जगन, मैं सुन, मुझे एक बार बता दो अब तुम के राजकुमार और राजकुमारी का इरादा क्या है? यार जब तुमने इतना कुछ चाहा है तो बस एक रात और। मेरा दिमाग अभी चल नहीं रहा यार, कल सुबह तक कुछ ना कुछ सोच लूंगा। सुबह क्या करोगे? जरूरत पड़ी तो इसका खून करके जेल चला जाऊंगा। तुम्हारे जो जी में आए करो, लेकिन अभी अगर इसके सामने खाना निकाला तो सारा खाना खुद चटकर जाएगा। अगर ऐसी बात है तो खाना इसके सोने के बाद खाते हैं, ओके? हाँ तो ठीक है। बंदे, मुर्गी की खुशबू आ रही है। मैंने भी एक मुर्गे को बाहर भागते हुए देखा। पके हुए मुर्गे की खुशबू आ रही है। वो क्या था कि जब मुर्गे को होटल में पकाया जा रहा था ना, तो पकते पकते वहां से भाग गया होगा, इसीलिए तुम्हें पके हुए मुर्गे की खुशबू आ रही है। यार तो जाके सो के नहीं जाती हो? चिंता नहीं, सारा खाना छुपा दिया मैंने, उसको सो जान दो, उसके बाद खाना निकाल के खाएंगे। सो गई। बहुत तीखा मजेदार है, थोड़ा सा बचा है, खाओगे बच्चों? मैं इस लड़की की बीमारी समझ गया हूँ, खाने की बेहद हवस की वजह से लड़की पागल हो गई। मैंने कहा था ना ये मुर्गा है, ये बंदर हमेशा झूठ बोलता है। ये नापाक, मैं बंदर नहीं हूँ, मैं गुरिल्ला हूँ। गुरिल्ला, और जानती है गुरिल्ला जब गुस्से में होता है तब काटता है, चीरता है, खून करके रख देता है। ओ भगवान, मैं भूखा हूँ। मैं अभी तुम्हारे लिए पराठा और चिकन लेकर आता हूँ जगन। आधी रात को तेरा बाप बैठा होगा पराठा और चिकन लेके। मुझे लगता है भूख मर जाऊंगा यार, और अगर मैं भूख से मर जाऊँ तो मेरा मरा हुआ जिस्म इस पेटू के हवाले कर देना, वो इस जिस्म को भी हड़प कर जाएगी। अभी इसी वक्त इसे लेके यहाँ से बाहर निकल जाओ। इतनी ठंड रात में हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ। कहने का मतलब? मेरे साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझे? जगन, मेरी बात तो सुन यार। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। तुम बाहर जाते हो या मैं बाहर जाऊं? तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे? निकल जाओ बाहर, दफा हो जाओ। चले जाओ इस घर से, निकल जाओ। Oh, my God.
परेशान करने पर तुली हो। थोड़ा सा रस्ताओ। अरे आधी रात को एक जवान लड़की के साथ अकेला घूमूंगा तो लोग क्या कहेंगे? थोड़ी बहुत इज्जत बच्ची है वो भी खाक में मिल जाएगी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। पकड़ना ही है तो जरा दबा भी देना। और दर्द हो रहा है। मैं तेरी टांगे ही काटूंगा तो दर्द और भी बढ़ जाएगा। अब चाहे जो भी हो जाए, कल जब ये गाड़ी निकलेगी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फेरी वाला बक्सा भी इसमें फेंक दूंगा। और अगर तुमने उतरने की कोशिश की तो पटरी पर सर रखकर खुदकुशी कर लूंगा। मां कसम, या तुम नहीं या मैं नहीं, अब फैसला होकर रहेगा। ए, 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 ए। तो होने चाहिए वरना सत्यानाश। फिर कुछ नहीं हो पाएगा। एक तो है, दूसरा कहाँ है? हाँ है भाई, भाई मैं हूँ मैं। खबरदार जो हाथ लगाया। यार कल भूख के मारे उल्टा सीधा पड़ गया था मैं। उल्टा सीधा है? जानते हो क्या क्या कहा था तुमने मुझे? यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात तो सुनो, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ टकराएंगे तो सही। ऐसी बात है तो निकाल 50 रुपए। क्यों? मैं कोयंबटूर जाऊंगा, बोझ उठाकर या बर्तन मांज कर पैसे कमाऊंगा। प्रीतम यार ऐसा मत बोल, मेरा दिल टूट जाएगा और इस बीच ये मुसीबत यहाँ से दफा हो जाएगी। तुम यार इसकी फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे हम लोग। अभी आहिस्ता बोल, जाग जाएगी। इसके जागने से पहले मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। अरे अभी तक सो रही है, जागी नहीं क्या? नंदिनी मेरी बच्ची। भूख लगी है। अरे यार क्या हो गया, गरीब बेचारी लड़की। अरे जैसी भी है तो अपनी कुछ भी हुआ। मैं कौन हूँ? आज से ये बंदर तुम्हें डबल रोटी, पराठा, अंडा, नान, चिकन, मटन, केरला फिश करी, इतनी सारी चीजें खिलाएगा। इरादा क्या है? चलो। अरे हो क्या गया, पागल हो गया क्या? इडली, भजिया, चटनी। देखो पेट भर के खाना। देखो इडली है, भजिया है, वड़ा है। अरे 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 क्या क्या कर रही हो क्या गया यार? एक भजिया ही तो मैंने मंगाया है। हाँ ठीक है आपका है, हम कब कह रहे हैं कि हमारा इसमें शोर शराबा करने की। पैसे कौन देगा? बदले में 10 भजिया दिलवा देंगे। तुम खाओ, तुम खाओ। और लो, और लो, और तुम खाओ। ये क्या है? तुम खाना है, तुम मेरे साथ आओ। अरे अरे क्या है यार, जरा देख तो सही यार। ये देख, इस अखबार में मैं ब्रांडी की बोतल लपेट के लाया था। जरा देखिए। 20-year-old girl absconding. Absconding? अरे ये तो वही लड़की है। हाँ वही लड़की है, पागल खाने से निकलकर भागी है। इसे पकड़कर लाने वाले को 15,000 रुपए का इनाम है। प्रीतम ये देखो, ये अखबार 10 दिन पुराना है। इसे देखो, ये अखबार 3 दिन पुराना है। इसमें इनाम की रकम बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। प्रीतम मैंने बड़ी मेहनत से दूरबीन लेकर छानबीन की है। जगन इस लड़की को पागल खाने दे आते हैं। हाँ, पागल खाने दे आते हैं। सोने के अंडे देने वाली चिड़िया को फुर्र कर रहे हैं यार। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि कुछ दिन तक इसे और काबू में रखते हैं। एक बात पक्की है कि भाव बढ़े ही बढ़े, जो आज मिल रहा है भाव उससे दुगना हो जाएगा कल। मुझे मुमकिन होते नजर नहीं आता। अरे यार कैसे मुमकिन होते नजर नहीं आता? जो मुमकिन नहीं है हम उसे मुमकिन कर देंगे। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, मैं हूं तो सही तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ। देखो दोस्त, अभी दुख के दिन काट लो, बाकी के दुख के दिन भी कट जाएंगे। प्रीतम प्रीतम मेरे भाई, समझने की कोशिश करो, घर आई हुई लक्ष्मी को धक्का मत मारो, मिलाओ हाथ। हाथ पक्का? अरे पक्का। ये वही लड़की है? हाँ वही लड़की है, मिलाओ हाथ। पापा चिकमंग कच पापा, चिकमंग कच पापा, पापा चिकमंग कच पापा।
sani dani dha ni sa ga ma ga sani dani dha ni sa ga ma ga sani dha ti ni ni pa 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 da pa ma ga ri sani dha da da ma 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 da pa ma ga ri sani sa ri ga ma ri ga ma pa da ni dha जेब में लाखों होंगे आज कल या परसों हम भी जग के प्यारे होंगे आज कल या परसों अरे अपनी जेब में लाखों होंगे आज कल या परसों हम भी जग के प्यारे होंगे आज कल या परसों खाना होटल में खाना है मेरा बिल भी चुकाना है बिल की फिक्र नहीं अब कोई डर नहीं करना है जो भी दिल चाहेगा अपनी हम भी जग के प्यारे होंगे आज कल या परसों कौन है तुम्हारे साथ लड़की कौन सी लड़की है मेरे पास अरे वही लड़की अच्छा 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 अमीर नहीं गरीब है पागल अरे हम सब जानता है सुन सुन देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं वो तो पागल है बीमार है मैं उसी के लिए तो दवाई लेकर जा रहा हूँ दादा होशियारी नहीं मांगता होशियार नहीं जी मैं तो गधा हूँ पहलवान जी आपकी सर की कसम आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं पागल है पागल Hmm.
गया है? गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? हुआ क्या? लगता है भिखारियों के मामले की भनक पड़ गई। तुम्हें कैसे पता चला? आने जाने वालों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं। जरूर तुम्ही ने बक दिया होगा कि आजकल में तुम्हारे पास लाखों करोड़ आने वाले हैं। क्यों नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें चाहिए था कि माल को छुपा कर रखते, उल्टा तुम इसके साथ घूमते फिरते रहते हो। कभी मछली पकड़ने जाते हो, कभी कबूतर उड़ाता फिरते हो, तो यही तो होना। इसीलिए मैंने कहा था माल का जो भी मिलता है बेचकर अंदर कर लेते हैं। अरे बेवकूफ, अगर अभी हम इस लड़की को बेच देते हैं तो जो पगली खाना हजम कर गए उसकी भी कीमत पूरी नहीं होगी। थोड़ा सबर करो। देखो अब तक इस पर कुल खर्चा 460 रुपया जो मेरी जेब से गए। मैंने तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढ ली है, तुम वहाँ इस लड़की के साथ जाकर रह जाओ। कहाँ है वो? वो धोबी घाट है ना, वहाँ एक मकान खाली है। बड़े जाहिल और बेवकूफ किस्म के लोग रहते, धोबी लोग सवेरे सवेरे काम पर चल जाते, कोई अखबार भी नहीं पड़ता। तो वहाँ पर 20-25 दिन के लिए इस लड़की के साथ जाकर रह डालो। तब तक हर दिन इस लड़की का भाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दूंगा एक थप्पड़। खबरदार, मैं वहाँ इस बारूद के साथ रहूं और तुम यहाँ ऐश करो, यही चाहते हो ना तुम? यार तुम्हें करना क्या है? बस सिर्फ यही होगा ना कि कुछ दिन तुम उस बुड्ढे का कॉफी का बर्तन नहीं उठा पाओगे। अरे ना पिए वो कॉफी है। कभी कभार जिंदगी में अकल का काम कर लिया करो। सुनो तो मैं ये, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब मैं कहूंगा और तुम सुनोगे, जैसा मैं कहता हूं वो करो। एलकी, एलकी, एला। अबे मैं हूं। अब बता क्या कह रहा था। हमें चाहिए कि लड़की की शक्ल इतनी बदल दे कि उसका बाप तक उसे पहचान नहीं सके। कहो कैसी कही? एक काम करते हैं, उसकी मुंडी काट देते हैं। यार जब भी मैं कोई सीरियस बात करता हूं तो मैं मजाक करने की क्यों सोचती है? कमाल है, हर रोज अखबारों में उस लड़की की तस्वीरें छप रही हैं, कोई देखेगा तो पहचान नहीं लेगा। इसीलिए सूरत बदलने की बात कही थी। फूल जाहिल। अच्छा अब तुम्हारी बात समझ में आई। उसके बाल छोटे कर देते हैं और एक चश्मा पहना देते हैं, कैसे रही? फाइन। एक आइडिया और है, एक मूछ भी लगा देते, कैसी लगेगी? वाह बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। मूछों के साथ साथ उसे दाढ़ी और पगड़ी देकर सरदार ही बना देते हैं। जो फाइन फाइन फाइन। तुम्हारे जैसा दूसरा जाहिल नहीं देखा। जाओ एक चश्मा और एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर लेकर आओ जो उसके बाल काट सके। उल्लू कहीं का। वैसे बाल तो अपन भी काट सकते हैं। अरे हो तो तुम इसी लायक, लेकिन फिलहाल एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो एक काम जानता हो। मां कसम, उनके हवाले करने से पहले इसे दो टिकाऊंगा जरूर। बाय बद्रू, ये बंदर कहां जा रहा है? बंदर किसी को लेने गया है। किसे? एक अंकल को। Oh.
बंदर। ये रहा, ले ले। क्या? मेरा बंदर। भाई तुम्हारे रहने खाने पीने का सब बंदोबस्त कर दिया गया है। कुल खर्चा हुआ है 750 रुपए 86 पैसे मेरी जेब से। कमरे का किराया अलग, क्या अलग, लकड़ी तेल मिट्टी का, हल्दी धनिया मिर्च मसाला घी गेहूं दाल शक्कर चावल। दाल चावल छोड़ो और इधर आओ। क्यों? इधर आओ। मुझे इस मुसीबत के साथ यहाँ कुछ दिन रहना है, राइट? राइट। तो आओ सौदे का हिसाब किताब तय कर ले। तुम्हारे मेरे बीच में कैसा हिसाब किताब? अभी तय हो जाए तो बेहतर है, बाद में तकलीफ होगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अगर सारी दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिस पर मुझे भरोसा नहीं तो वो तुम हो। तुम गिरगिट की तरह कभी भी रंग बदल सकते हो। ऐसा है? ऐसा ही है। अब मुझे ये बताओ कि हमें जो माल मिलेगा उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना होगा? मतलब? मतलब ये कि अगर हमें 1,00,000 रुपया मिलता है तो उसमें तुम्हारा कितना, मेरा कितना? 1,00,000 में 40,000 रुपया तुम रख लो, 60,000 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम यहाँ रहो, मैं चलता हूँ। मैं नहीं रह सकता। नहीं रह सकते? इस लड़की के साथ रहकर जान का खतरा मैं मोल लूं, ऊपर से इसके घूसे और लाते भी मैं ही खाऊं, और मिले 40,000? नहीं, 40,000 तुम्हारे, 60,000 मेरे। और मैं जो कब से इस पगली के लिए कपड़े दवाइयां वगैरह खरीद रहा हूं उनका कोई हिसाब ही नहीं। अरे अलग रखो वो हिसाब। 40,000 तुम्हारे और 60,000 मेरे। बोलो मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं चलता हूँ। अरे यार इतने पत्थर दिल मत बनो, हमने भी इस लड़के के लिए बहुत मारे खाए हैं। बात है। सुनो एक काम करते, 40,000 में 10,000 रुपए और चुप। नामुमकिन। 5,000? बिल्कुल नहीं। 1,000? नहीं। चलो यार 500 में बात मान लेते हैं। मैं नहीं माना। 2,100, 1,000, 10 रुपए? 10 रुपए? अरे यार आदमी को इतना लालची नहीं बनना चाहिए क्या? लालच से कुछ नहीं होता है। अब इन सारे नोटों को उबालो, पकाओ और खा जाओ। कमाल है यार। अब बंदलू क्या चाहिए? प्यारे प्यारे बंदलू। पाउडर का डिब्बा है? नहीं, फोन। फोन नहीं देखा क्या? हाँ बाबा फोन है। ये क्या है? जलाने के लिए लकड़ियां है, रखो। तलवार। अच्छा बाबा तलवार है। ये क्या है? ये क्या है? ये माउथ ऑर्गन है, माउथ ऑर्गन। रखो रखो। ये क्या है? ये तुम्हारी सांस है। क्या ये मेरी सांस है? नहीं मेरी सांस है ये। हे भगवान कहाँ फंस गया मैं? क्या हुआ? चलो चलो जल्दी चलो, बैठो सब लोग अंदर, चलो बैठो। कितने सारे बुलेट, कितने सुंदर। तुम इन बच्चों को बिगाड़ रही हो। मैं तुम्हें यहाँ साथ क्यों लाया था? ताकि धोबी लोग वहाँ चैन से रह सके, और तुम यहाँ भी मुसीबत किए जा रही हो। अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। चलो चलो सब लोग जल्दी उतरो। चलो घोड़े की टांग टूट गई। वाटर बॉटल जल्दी। 5,000 20। मैं कमिंग टीचर। कमिंग। तुम देर से क्यों आई हो? रो क्यों रही हो? चलो हाथ निकालो। अरे कौन हो तुम? Love and
मालूम नहीं ये स्कूल है? कहां से पकड़ लाए हो इस बदतमीज लड़की को? मैं सब पेरेंट्स से कह दूंगी कि तुम्हारे साथ अपने बच्चे ना भेजे। लेकिन मैं फिर कभी इस कंपाउंड में पाँव रखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझे? मैडम सुनिए, मेरी बात तो सुनिए मैडम। अरे तेरी मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अब तुम अच्छे नहीं लगते, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। कंदुस्वामी, ए कंदुस्वामी, आज सारे अखबार लाओ, फटाफट दो, फटाफट। ये लो, बाकी के पैसे कल ले लूंगा। क्यों भैया, अखबार नहीं पढ़ोगे तो कैची नहीं चलेगी क्या? रे तूने फोटोग्राफ जोड़ के चना बेचना शुरू कर दिया क्या? चना बेचना शुरू कर दिया, चाहिए चने क्या? ले। एक इधर से आ गया। सवेरे सवेरे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? पड़े रहते रजाई में। पड़ना है। सवेरे सवेरे। तुम्हें अंदर छोड़ता हूँ तो आग और तेल से खेलती हो, बाहर जाने देता हूँ तो दूसरों की छाती पर सवार हो जाती हो, अपने साथ ले जाता हूँ तो मेरा काम बिगाड़ देती हो। इसलिए अब यहाँ बैठो और कुदरत के नजारों का मजा लो और धोबियों को कपड़े धोते देखो। बस अब यही एक रास्ता रह गया, इस तरह कम से कम दूसरों को तो तकलीफ नहीं होगी। बाय बाय, सी यू। ये बात है जो ऊपर से हंस रहा है। अरे लाखन का बैल लस्सी तोड़कर आया और कितना मारा है उसे, कोई बचाने के लिए भी नहीं आया, सारा चेहरा लवलवान हो गया, बेचारी भाग भी नहीं सकी। बेरहम जल्लाद। बैल को चोट तो नहीं लगी? उसने तुम्हें बहुत मारा ना? बेचारा, सब लोगों ने उसे बहुत मारा। खाना खाया? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सोने जा रही थी। सो जाओ। बहुत दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही। आंखें बंद कर लो, अपने आप नींद आ जाएगी। कैसा हवा के साथ है संग उसका, तेरा
मेरा साथ है पल भर का, बिछड़े जो हम तो मिलन कैसा, तेरा मेरा साथ है पल भर का, बिछड़े जो हम तो मिलन कैसा। सोजा सोजा चांदनी चांद सितारे सो रहे, मैं जागू नदिया जागे, एक मकान खाली करवाने का था, अभी अभी करवा दिया। वाह, दूसरों के मकान खाली करवाने के लिए तुम्हारे पास फुर्सत है, मेरी जमीन से धोबियों को खाली करवाने के लिए तुम्हारे पास फुर्सत नहीं। अबे ओए, मेरा समद उस्ताद है ना, उसने इस काम के लिए मेरे से 20,000 रुपया लिए। क्या हुआ, जेल गया, काम भी अधूरा रहा, अब कौन खाली करवाएगा जमीन? हाँ, बिगड़ता काय को है साहब, हर काम करने का अपना एक तरीका होता है। अर्जुन अपना काम अच्छी तरह जानता है। हुक्म किसी का भी हो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे जा, ये जमीन जज साहब की है, उन्होंने हमें यहाँ रहने दिया है, अगर वो कहेंगे तो हम खाली कर देंगे। अरे तू कौन होता है? नहीं तो खाली नहीं करोगी क्या? अरे जा, ये जमीन हम कभी खाली नहीं करेंगे। बंद कर गुड़िया। दादा, हम बचा दिया, बचा।
वो छोकरी? अर्जुन दादा माफ कर दो, वो लड़की पागल है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अगर वो छोकरी कहीं आसपास नजर आई तो संभल जाना। ठीक है दादा, मैं उसे ताले में रखूंगा। ए, चलो। ए, कुत्ते! इधर देख, मैं बुला रही हूँ। तुझे एक झापड़ दो तो तेरी बत्ती से बाहर निकल आएगी। हाँ। पकड़े थे? अरे चुप! निकालो! अरे छोड़ छोड़ छोड़! ये तो कुछ भी बकती रहती है। मैं तो देख लूँगा। रुक जाओ। आज कोर्ट नहीं गए? छुट्टी ली है, एक दो दिन के लिए। क्यों? यूं ही, तबीयत ठीक नहीं है। भैया, एक बात पूछो। माया तो आपसे मिलती होगी, कैसी हो? इतने सालों के बाद माया की याद कैसे आई? उसके बारे में कुछ मत पूछो, तुम्हारे लिए उसका होना ना होना बराबर है। रातों को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, आरो को औलाद ना होने का गम खाया जा रहा है, ये सब मेरे पापा की तो सजा है। यही सब कहने के लिए आए हो? ज्यादा जज्बाती मत बनो, तुम मजिस्ट्रेट हो, तुम्हें शोभा नहीं देता, वरना सारे राज खुल जाएंगे। खुल जाए, लोगों को हकीकत का पता चल जाए तो? तुम्हें अपने जुर्म का इकबाल करने की जरूरत है, सब कुछ खोने की जरूरत है, नहीं ना? तो खामोश रहो और आइंदा ऐसी बातें करने के लिए यहां मत आना। क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार? किसी कुत्ते के रोने की आवाज सुन रहे हो? और अगर खान आ गया तो तुम्हारे रोने की आवाज इससे भी ज्यादा ऊंची होगी। तुमने चक्कू अर्जुन को क्यों मारा? मारता नहीं तो वो लोग लड़की का खून कर देते। मर जानते तो सुलल को हमारा क्या जाता?
अब एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारे पास कितना ही पैसा हो जाए हम यहाँ नहीं रुक सकते। मैं काम करता हूँ, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, नहीं नहीं मैं एक तार भेजता हूँ, नहीं यार एक टेलीफोन करता हूँ, नहीं नहीं मैं खुद जाता हूँ, नहीं मैं उन लोगों को बुला के लाता हूँ, नहीं अरे यार मैं क्या करूँ? क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम पता करें कि वो लोग कौन है और उन्हें लड़की क्यों चाहिए? अरे हमें क्या जरूरत है जानने की कि चढ़ावा घी में जाता है कि किसी के मुंह में जाता है, हम अपने पैसे खड़े करते हैं भाग लेते हैं यहाँ से। यार देखो समझने की कोशिश करो, वो किसी भी वक्त जमानत पर छूट कर आ जाएगा। कौन? समद खान। तुम्हें उसके आदमियों से टक्कर नहीं लेनी चाहिए थी। जरा सोचो बगैर हाथ पैरों के हम काफी बदसूरत लगेंगे। ऐसा करते हैं अपना बंदोबस्त करते हैं और यहाँ से खिसक लेते हैं। बोलो क्या कहते हैं? चिट्ठी लिखूं के फोन के तार के मैं खुद के? यार कुछ तो कहो तुम, तुम्हारे जी में जो है करो यार। ठीक है टेलीफोन और उसका डिब्बा। और ये मौतर का नहीं कटारी है, मैं जानती हूं। दिलाते थे तो चॉकलेट के डिब्बे और नए कपड़े, जो एक मेहरबान मेरे लिए यतीम खाने लाया करते थे और वार्डन को सौंप कर मुझसे मिले बिना ही चले जाया करते थे। एक दिन मैंने उन्हें छुप कर देख लिया और उस आदमी का नाम मैंने स्वीटमैन रख दिया। कुछ दिनों बाद उनका आना बंद हो गया, लेकिन चॉकलेट के डिब्बे बराबर आते रहे। धीरे धीरे चॉकलेट के डिब्बों की जगह मनी ऑर्डर्स ने ले लिए, जो दूर दूर के शहरों से आते थे मेरी परवरिश के लिए। मेहनत से पढ़ो लिखो होशियार बनो, ये सब बातें वो मुझे खत में लिखा करते थे, लेकिन जवाब लिखने के लिए मेरे पास उनका पता नहीं था। गुजरा, मैं बड़ी हो गई, तब मुझे मालूम हुआ कि मैं उस मेहरबान की एक नाजायज औलाद हूं। एक दिन मुझे एक खत मिला जिसमें लिखा था कि उन्होंने मेरे खर्च के लिए बैंक में एक बड़ी रकम जमा कर दी है। वो उनका आखिरी खत था। मैं उन्हें ढूंढती हुई यहां तक आ पहुंची। वो यही है जिन्हें आज तक पिता कहकर न पुकार सकी। कौन है वो? रिटायर्ड जस्टिस वर्मा। मैं अपने पिता से मिलने के लिए बेचैन थी। किसी तरह मैं उनके घर तक आ पहुंची, वो घर में नहीं थे। उनकी बेटी रुक्मिणी से पता चला कि मेरे ही कारण पिताजी ने घर वालों से झगड़ा किया और यहां आकर बस गए।
के घर वाले मेरे साथ अच्छी तरह पेश आए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं पागलखाने में थी। कोई मेरा विश्वास करने को तैयार नहीं था कि मैं पागल नहीं हूं। मैं समझी मेरा बाकी जीवन उसी पागलखाने में बीत जाएगा कि अचानक एक दिन मुझे मौका मिला और मैं भाग निकली। मेरे पिताजी की यादें उन चॉकलेट के डिब्बों से जुड़ी है जो वो बचपन में मेरे लिए लाते थे। प्रीतम, मैं उनसे मिलना चाहती हूं, उनसे बात करना चाहती हूं। एक बार मुझे बेटी कहकर पुकारे, मैं सुनना चाहती हूं। बस यही तमन्ना बाकी है। जब मैं तुमसे मिली मैंने सोचा तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए मैंने ये सब उठपटांग हरकतें की और तुम्हारे साथ हो ली। मैं तुम लोगों का कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। एक बार, बस एक बार मैं अपने पिताजी को देख लूं, फिर तुम मुझे उन लोगों के हवाले करके अपना इनाम ले लेना। प्लीज प्रीतम, प्लीज। प्रीतम, प्रीतम, प्रीतम आ, आजा 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 आजा। भाई सुनो, फोन पर मेरी उन लोगों से बात हो गई, वो आ रहे हैं। 80,000 में तय किया है। आए तो सही, 5,000 रुपए और घसीट लूंगा। ऐसा हो जाए तो अपनी जेब में लाखों होंगे, आजकल या परसों। जगन, ये लड़की वो नहीं है जो हमने सोचा था। मतलब वो पागल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यार मुझे पहले से ही शक था कि दाल में कुछ काला जरूर है, वरना एक टच्ची सी पगली लड़की के लिए कोई इतनी रकम देता है? खैर हमें क्या, हमें तो हलवा खाने से मतलब है। अगर वो उन लोगों के हाथ लग गई तो वो लोग उसे मार डालेंगे। मार डालें या खा जाएं, हमें अपने पैसे चाहिए बस। हम्मत कहो, कहो तुम। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? दूसरों को तकलीफ में डालकर मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए ना सही, सारे पैसे मैं खुद रख लूंगा। तुम कुछ भी कहो, मैं नंदिनी नहीं दूंगा। ए, नंदिनी सिर्फ तुम्हारी जायदाद नहीं है। बस आगे कुछ मत कहना। कहूंगा और जरूर कहूंगा यार। जब मैंने यह सौदा तय किया था तो मूल और सूद जोड़कर 5 गुना मुनाफे की ठानी थी। मैं कहीं ना कहीं से पैसे कमाकर तुम्हारा नुकसान भर दूंगा यार। नुकसान भर दूंगा, ये बात तुम सदियों से कहते चले आ रहे हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। नहीं लेना तो भी ठीक है। मैं चुपचाप जाने वाला नहीं हूँ प्रीतम। जब ये मरियल सी लड़की मेरा माल खा खा कर मोटी ताजी हो गई, तब तुम्हें इसके साथ इश्क हो गया है ना। सर्द रातों में तुमने इसके जिस्म की हरारत महसूस की है, ठीक है कि नहीं? यही वजह हो सकती है कि तुम इसे छोड़ने को तैयार नहीं हो। क्या चाहते आखिर, क्या चाहते हो तुम? इसके साथ खाने खाना, इश्क करना, इसके जिस्म के साथ अय्याशी करना, या इसे होटलों में बेचकर खुद पैसे कमाना? तुमने मुझ पर हाथ उठाया है? मेरे काल पे ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे तुमने, मैं तुम्हें कभी चैन नहीं लेने दूंगा। इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें, भूल नहीं सकता मैं कभी, याद रखूंगा हमेशा। Thank you.
अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं। जगन अब खामोश बैठने वाला नहीं है, वो कभी भी उन लोगों को लेकर आ सकता है तुम्हें ले जाने के लिए। चलो जस्टिस वर्मा के घर चलते हैं। मगर अचानक जाकर मैं जो आशा लेकर तुम निकली हो उसे पूरा करने का एक ही रास्ता है। पहले तुम अपने पिता को समझ लो, उनके दिल को समझ लो। वैसे ही पिता भी अपनी बेटी को समझ ले, वरना अचानक जाकर कहो कि तुम उनकी बेटी हो तो तुम्हें कभी अपनाएंगे नहीं। दो दिलों का साथ रिश्तों से ऊंचा होता है। और एक बात है, सारी दुनिया में एक ही जगह है जहां जगन कभी आने की हिम्मत नहीं करेगा, और वह है जस्टिस वर्मा का घर। वहां जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन हम कहेंगे क्या? वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? भाई प्रीतम, ये अचानक कहां गायब हो गए थे? तुम यहां नहीं थे तो सुबह की सैर में कॉफी भी पीने को नहीं मिली। गांव चला गया था सर। कोई जमीन जायदाद हाथ लगी है क्या? हाँ साहब, ये खड़ी है। ये कौन है? दूर की एक रिश्तेदार है, एक माँ थी इसकी जो चल बसी। मुझे खबर मिली तो पता करने गया और ये बोझ लेकर वापस लौटा। क्रियाक्रम के बाद सब रिश्तेदार तो चलते बने। जब इसने कहा इसे कोई काम चाहिए तो मुझे याद आ गया आपको एक नौकरानी की जरूरत है। कौन जात है? अपनी जात की है। वो तो नजर आती है, लेकिन आंखों में शरारत की चमक भी है। वो तो इसलिए साहब कि आप इसे एक जज की नजर से देख रहे हैं। लड़की शरीफ है। वैसे आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सो तो है। ए लड़की, ठीक ठाक काम करोगी? अभी तो सर हिला रही है, एक बार काम शुरू किया तो रंग ढंग ही बदल जाएंगे। ये ऐसा नहीं करेगी सर, क्यों री? घर हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, करने को काम बहुत है। एक गधा है यहां, उससे भी पूरा काम लो। बद्री भैया नजर नहीं आ रहे? बाजार गया है दोपहर का खाना लेने के लिए। ओ, रात के खाने तक शायद आ जाए। अरे हाँ, वो तुम्हारा दोस्त है ना, एक क्या नाम है उसका, छगन? हाँ, जो कुछ भी हो उससे कहना कि अगर वो मुझे कहीं नजर आ गया तो वो इस जगत में नहीं रहेगा। हाँ, इसको क्या तनख्वाह देनी है? जो आपके जी में आए सर। जाओ अंदर। जाओ जाओ। प्रीतम जी, ये तुम्हारी कोई चाल है या उलझा हुआ केस? क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं जानता नहीं क्या ये अदालत है? हाँ, उसे भी ये बता दिया है ना? हाँ साहब। हाँ ये कितने? हाँ, 70,000 और 5,000। 70, 5, 75, टोटल रकम हुई 75,000। देखिए, हमारा एग्रीमेंट है कि लड़की मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, बाकी का काम आपके आदमी करेंगे। अपने दो आदमियों को पिछवाड़े से भेज दो, जरा होशियारी से कहीं निकल ना जाए। और सुनो, अगर पकड़ लो तो जरा मेरे सामने लाना, मुझे भी तो लात मारनी है उसको। हाँ। अरे भैया जाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, खतरनाक प्राणी है।
मिली। देखिए वैसे उस खतरनाक प्राणी को पकड़ने के ये दाम कम है, काफी नहीं है? हाँ, और 4-5 लाख रुपए देता हूँ। भाई साहब, लड़की इधर ही रहती है ना? हाँ, क्यों? यही है ना? यही इधर नहीं? अच्छा अच्छा, आओ जरा देखे। देखिए मुझे थोड़ा सा जरूरी काम से जाना है। हाँ हाँ, काम है। अरे आओ, अरे आओ ना। अरे तुम शायद ये देखने के लिए आए हो कि मैं अब तक मरा हूं या नहीं। तो सुनो, मैं मरा नहीं और मरूंगा भी नहीं जब तक कि तुम ये नहीं बता देते कि तुमने उस पगली को कहां छुपाया है। मगर यार, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना यार, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम क्या समझते हो, उन लोगों के हवाले उस पगली को करके सारा माल खुद हड़प कर जाओगे? तो याद रखना, मैं जब तक जिंदा हूँ अपने जीते जी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी। अरे अरे, ज्यादा मत छिलिए वरना हड्डी फिर से टूट जाएगी। ओ जी, अब टूटने के लिए कुछ बचा है क्या जो टूट जाएगी? उन लोगों ने सारी हड्डियाँ तोड़ दी है, बुरकस बना दिया यार। इतने जज्बाती मत बनो मेरे दोस्त। बनूंगा बनूंगा बनूंगा। तुम और वो पगली लड़की मेरे पैसों का खाना खाते रहे, मेरे पैसों के कपड़े पहनते रहे, मेरे पैसों के बल पर तुम उस लड़की के साथ इश्क की चौचे लड़ाते रहे, और इस सब के बावजूद तुम्हारी कमीनगी की वजह से मेरा हाथ टूटा, तुम्हारी कमीनगी की वजह से मेरा सर फूटा, तुम्हारी कमीनगी की वजह से मेरी नाक से खून के लोथड़े बह बहकर जमीन को लाल कर गए, और तुम कहते हो इतना सब होने के बावजूद मुझे जज्बाती होने का हक नहीं है। देख जगन, मैं तुझसे कुछ सीधी सीधी बातें करने आया हूँ। जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। हाँ? बड़ी खुशी हुई साहब ये जानकर कि आपको बहुत अफसोस है, लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, अब किसी समझौते की गुंजाइश नहीं है, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। अरे मेरी एक बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। सिर्फ एक बात तो सुन। नहीं सुनना है, या तो इस पार या उस पार। प्लीज सुन यार। नहीं नहीं नहीं। ओके, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक कहावत है, भैंस के आगे रोना और अपने नैन खोना। सुनी है तुमने? अगर सुनी हो तो? तो मुझे इस कहावत की सच्चाई पर यकीन हो गया है। बस यही बताने आया था तुमसे मिलने ले। गुड बाय। गुड बाय। जरा एक सेकंड, एक बात याद रखना कि मैं तुमको और उस लड़की को पाताल से भी ढूंढ के निकाल लूंगा, समझा? सुनिए, सुनाइए। एक बात पूछूं? पूछिए। तुम लोग झगड़ा करते थे यार, बातें करते थे, कुछ समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, हम आपस में बहुत प्यार भरी बातें कर रहे थे। अरे समझ में नहीं आता तो यार, ये तुम्हारा सरदर्द है, मेरा सरदर्द नहीं है। आपको इससे क्या मतलब है कि आप प्यार कर रहे थे कि झगड़ा कर रहे थे? जाके अपना अखबार पढ़िए वहां पे। क्या गया कहां? वेन यू वांट टू जाना तो उनमें मैर ये क्या है? मुर्गा करी साहेब। टीका। ये मुर्गा साहब उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए खाने से पहले इन्हें प्रणाम कर रहा हूं। तुम मेरा पैसा बर्बाद करने पर तुले हुए हो। और कुछ खाने के लिए है तो लाओ। लाए रहे हैं। ये क्या है? मछली करी। मछली? हाँ। एक लाठी मिलेगी? जरूर मिलेगी लाठी, परंतु मालिक ये लाठी किस वास्ते? लाठी से पहले मछली को मारूंगा और फिर खाऊंगा। लगता है कि सीधा नदी से पकड़कर यहाँ ले आए हो। ना नमक ना मिर्च। नमक लाते हैं वो। ए, रुको। एक काम करो, इस टेबल पर कुछ पतीले लाकर रखो, उनमें नमक मिर्च मसाला हल्दी जीरा, मुझे जो चाहिए होगा मैं मछली के ऊपर लगाकर खुद खा लूंगा। कल से ऐसे ही करेंगे मालिक। उफो। उफो। मेरी ही गलती है जो तुम जैसे गधे को पाल कर रखा हुआ है मैंने यहाँ। ये प्लेट धोई थी क्या? धोई थी। ठंडे पानी से? नहीं, गर्मा गर्म खौलते पानी से। गर्म पानी से धोने के लिए किसने कहा था तुम्हें? हम सच बोले थे मालिक, ठंडे ही पानी से धोई थी हमने। तो फिर पहले क्यों कहा? पहले आपने पूछा नहीं। इडियट। ठीक है इडियट। कुछ
अब यहाँ क्यों खड़े हो? रसोई में तुम्हारे लिए खाना नहीं है क्या? है ना, है ना। तो फिर यहाँ खड़े होकर राल टपकाए मेरे खाने को नजर क्यों लगा रहे हो? मेरे पेट में दर्द करना क्या? नहीं, बीमार करना मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। हे भगवान, हो रहे हैं दफा, हो रहे हैं दफा। निकल पागी वो कुछ भी नहीं क्या हो यार। प्रीतम कितने क्या? और मैं क्या? प्रीतम कितने? बात मत करो उस पागल की। तुम मेरे पागल क्या? हाँ नहीं, नहीं नहीं, पागल वो दुश्मन, दुश्मन दुश्मन। तू मेनु दुश्मन भी क्या? प्रीतम ने मेरे बंदियां नु कुटिया। तू दस वो कितने? नहीं तो मैं तेरे हट कट देने ने। काट दो, काट दो, काट दो उसके हाथ। तू दस खाते जा पुत्र। अरे यार ये क्या दस ग्यारह बारह करा? ओ बेवकूफ, इस सांड को समझाओ कि मैं इसकी भाषा नहीं समझता हूँ। मुझे मालूम नहीं प्रीतम कहाँ है। ओए खाते दे पुत्र, तू खान नु सा क्या? खान साहब चंगी तरह मारो अनु, अने मुझे बेवकूफ क्या? कैसे बात करूं उनसे? सुबह बिस्तर से जब पिताजी उठते हैं तब से वो बद्री उनके साथ दुम की तरह चिपका रहता है। एक रास्ता है, बद्री लॉटरी के टिकट खरीदता रहता है। उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। अगली बार जब वो लॉटरी के टिकट खरीदेगा तो उसका नंबर मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें सिर्फ अखबार पढ़कर उसे यकीन दिला देना है कि पहला इनाम उसका है, बस फिर वो खुद ही भाग खड़ा होगा। कौन है? भालू, बिल्ली, बिल्ली। बद्री भैया, इस बार कंचनजंगा लॉटरी का टिकट खरीदोगे तो 10 लाख रुपया और एक कार मिलेगी, ले लो। अरे ससुर, तू हमेशा बड़ी बड़ी हाकत है। अरे कंचनजंगा तो क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का टिकट खरीद लिया, आज तक तो रहेगा नहीं। चल ला दे दे। बद्री भैया, जरा अपने लॉटरी का टिकट तो दिखाना। क्यों? अरे दिखाओ ना। ओ हो हो, निकल पड़ी बद्री भैया, आपकी तो निकल पड़ी। अब की बार ये लॉटरी का टिकट आपको जरूर लगने वाला है। कल रात मैंने नंबर सपने में देखा था। अरे ऐसे सपने तो हम पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। सपना देखा तो बद्री भैया, भगवान पर विश्वास रखो। बद्री भैया, कंचनजंगा लॉटरी के रिजल्ट छपे हैं। अरे ये तो हम भूल ही गए थे, कंचनजंगा। ए सूर्य देवता, अब तो कंचनजंगा लगवाए दो, नहीं तो जाओ हिमालय के उस पार, बहुत होई गवा। कहाँ छपा है छापे में? पढ़। हाँ, पहला इनाम 10 लाख रुपए और एक एम्बेसडर कार। अरे ये सुन सुन के कान पक गया, आगे पढ़। पहला इनाम का नंबर के का बहुत टिकट होता है, आगे। एल, हाँ एल एल, आगे पढ़। दो, दो, आठ, आठ, चार, चार, आगे पढ़। चार, हाँ आगे पढ़। पांच, पांच, आगे पढ़। यहाँ तक ठीक है? सोलह ना ठीक है, आगे पढ़। सात, सात, आगे पढ़। तीन, तीन, आगे आगे पढ़। एक, क्या बोली? एक, हमरा तो मेरा पार हो गया बेटा। आया, बोलिए बोलिए। ए, अरे कौन है? अरे किधर देख रहा है, बहरा हो गया है ससुरे। हम तुझको पुकार रहा हूँ, इधर देख, इधर देख, इधर देख। कोट पतलून पहन कर, सर पे टोपा लगा कर,
मुंह में जलता डंडी ठूस कर भक भक धुआं उड़ा कर पुराना खटारा गाड़ी में बैठ कर तू अंग्रेजी साहब नहीं बन सका थे रे। अरे आज ठीक करके रख दूंगा तुझको जंगली भाई से। सुप्रीम कोर्ट से लेकर आज तक तू हमरे बाप को गाली देता रहा, हम बर्दाश्त किए, कारण कोई चारा नहीं था ना। चार पैसे किसी भिकमंगे के पास आ जाए ना तो वो भी किसी गरीब के बाप को गाली दे सकता है। अरे 35 साल तू हमको जो गाली दिया ना, आज सूद समेत तुझको लौटा रहा हूँ। चुप कर उल्लू के पट्टे। अरे खबरदार जो गाली दिया बचवा, उल्टा झापड़ से खुपड़िया घुमा के रख देंगे। हमारा नाम भी बद्री प्रसाद चौरसिया है। तू क्या समझता रहा कि सारी जिंदगी यहाँ पड़ा तेरा तलवा चाटता रहूंगा। हाँ, अपना बड़ा सा बनाऊंगा बंगला और वहाँ नौकर रखूंगा और तुझको वहाँ बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि नौकरन साथ कैसे सुलूक किया जाता है। अब तू सोच रहा होगा कि तूने सांप को दूध पिलाया। हाँ, सांप ही को दूध पिलाया है। न जाने कितने लोगन को फांसी के फंदे पे लटका दिया तूने हम दूध। हम जा रहा हूँ और हमरे जाने के बाद तू जमीन के ऊपर नाक रगड़ रगड़ के लिखेगा आ आ ई ई ऊ ऊ। और ये सब देखने के लिए हम अपनी कार में बैठ कर आऊंगा। किसकी कार में बैठ कर आऊंगा? अपनी कार में बैठ कर आऊंगा। और ये सब हम अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ टकलू। Shut up, you bastard! अरे भाड़ में जा मुछड़ दंग। हिम्मत है तो बाहर निकल के आ। तेरी तो गधेया की दुम, तेरे को ठीक करके रख दूंगा। तेरी तो भैन का नहीं, वो हम नहीं बोलेंगे, तेरे मुंह में भैंस का गोबर। खैर गुस्ताख, तुझे भी बताता हूँ। अंदर रुक जा, हराम खोर। चलो बद्री गया बद्रीनाथ की यात्रा करने। तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। अब इस शैतान के मुंह में रुपया डालो और दुआ मांगो कि जल्दी तुम्हारा बाप तुम्हें बेटी कह दे। ये है क्या? इसके नीचे शैतानों का किला है। अच्छा, इसके मुंह में पैसा डालोगे तो शैतान खुश होकर हमें आशीर्वाद देंगे। लेकिन याद रखो, बिना पैसे कभी हाथ मत डालना वरना हाथ चबा जाता है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम ठीक कहती हो, मानता तो मैं भी नहीं, लेकिन आज आजमा कर देख ही लेते हैं। ठीक है? क्यों शैतान जी, क्या हुआ? लोग खाम खा की गप मारते हैं। ऐसा मजाक अच्छा नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा बाबा, गुस्सा मत हो। डर के मारे मेरी जान चली जाती। इसका मतलब है अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें बहुत दुख होगा, है ना? तुम्हें कुछ भी हो, मुझे कोई दुख नहीं होने वाला। जाने जिगर, जाने वफा, जाने जा...
इज्जत नवाज आली जनाब। पीछे मत आ, पीछे मत आ। देखो रूठो ना तुम, तुमको मेरी कसम, मान जाओ भी तुम। जारे झूठे जा, जारे झूठे जा, जारे झूठे जा। जाने जिगर, जाने वफा, जाने जहां। मेरे संग चल, मेरे संग चल, मेरे संग चल। रुक जाओ, जाने जा, बंदा नवाज, इज्जत नवाज, आली जना। मेरे संग चल, मेरे संग चल, मेरे संग चल। लिखते हैं लोग डराने के लिए। कब से बैठा इंतजार कर रहा हूं खाना रखने के लिए तुम्हारी आरती उतारूं। यह सब पहले नहीं रख सकती थी। इसे पहले प्लेट के साथ नहीं ला सकती थी। ए, जवाब क्यों नहीं देती? मुंह में जबान नहीं है क्या? घूमी है। ये क्या? सेब। वो तो मैं देख रहा हूं, बाकी चीजें एक एक करके आएंगी। आज खाने में बस यही है। यो, खाना नहीं बनाया? नहीं, ये खाओ और पानी पी लो। चाहिए तो दो सेब और भी हैं। वो अपने बाप को दे देना। बदतमीजी की कोई हद होती है? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं रखा हुआ कि जो तुम्हारी मर्जी हो करो। वैसे भी यहाँ कोई पहाड़ नहीं उठाने पड़ते तुम्हें। पहाड़ उठाना ज्यादा आसान काम है। जुबान चलाती हो? चुप रहती हो तो कहते हो मुंह में जबान नहीं है, गूंगी हूँ। बोलती हो तो कहते हो जबान चलाती हूँ। ये सब क्या है? मुझे ढंग से कोई काम भी नहीं करने दिया जाता। बेवकूफ की बच्ची, तुम्हें काम करने के लिए किसने रोका है यहाँ? खबरदार जो मुझे गाली दी तो क्या तुझे देवी जी कहूं? ए, तू यहाँ नौकरानी है, मेरी बेटी नहीं। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ। बद्री! वो भाग गया तंगा के पागल खाने से। ए, रुक जा। मैं पूछता हूँ, तूने खाना क्यों नहीं बनाया? सुबह जब मैं खाना बनाने वाली थी तब आपने कहा पानी गर्म करो। तो पानी तो गर्म तुमने किया नहीं, मुझे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा। वो करने ही वाली थी तब आपने कहा बाजार जाके सौदा ले आओ। तो लाई? नहीं,
तब आपने कहा पूरे घर की सफाई करके ही जाना। घर की सफाई तो अभी तक हुई नहीं। सफाई करने ही वाली थी तो आपने कहा खाना लगाओ। धुले हुए चावल पड़े हैं, कहीं तो वो लगा दो। कच्चे चावल खिलाओगी? ये जाकर अपने बाप से कहना। बाप से ही कह रही हूँ। अगर आप एक घंटा चुपचाप बैठे तो मैं खाना बना देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे, एक वक्त नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। सेब यहां पड़ा था, कहां गया? ए, सुनाई नहीं देता मैं क्या पूछ रहा हूं, वो सेब कहां गया? मैं खा गई। खा गई? अब समझा, अपना पेट तो वक्त पे भर लेती हो, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर अंदर से दो सेब लेकर आओ। सेब है तो सेब ही सही, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वो भी मैंने खा लिए। वो भी तुमने खा लिए? तो मैं क्या खाऊंगा? एक वक्त नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। मुझे तो एक ही डर है, वो लड़की कहीं उनके पास न पहुंच जाए। मैं कह देती हूँ, ये तो सरासर जुल्म है। नंदी भी मेरी तरह उनकी बेटी है। माँ, इसी झगड़े से तंग आकर पिताजी ने घर छोड़ा है। अब तुम और क्या चाहती हो? माँ पर तोहमत लगाकर बड़ा बनने की कोशिश मत करो। तुम चुप रहो, तुम क्या जानते हो? पिताजी की दौलत उड़ाने के सिवा तुम्हें आता क्या है? तुम्हारा बाप जज था, ये कानूनी बातें तुम उनको जाके सुनाओ। अगर मैं उनके कमाई पर जिंदा हूं तो मुफ्त में नहीं मैडम रुक्मिणी, ये कीमत है तुम जैसे लंगड़ी लड़की का बोझ उठाने के लिए, और ये बात तुम अपने ध्यान में रखना। घटिया बातें मत करो केसी, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि उनसे मिलने से पहले ही उस लड़की को पकड़ लें। लेकिन यहां तो हम एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने पर तुले हुए हैं। मैं कहती हूं अगर वो लड़की वहां तक पहुंच गई तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। और अगर ये पता चल गया कि वो डैड की बेटी है तो फिर वहाँ के लोग भी उसके साथ हो जाएंगे। हाँ हाँ, ये बात सच है, अमीरों को गिरते हुए देखकर एक आम आदमी को दिली खुशी होती है। आदमी को सुख चैन सोकर मिलता है, तू मुझे इस घर में सोने भी नहीं देती। ये टूटा फूटा बाजा यहाँ पड़ा पड़ा सड़ रहा है, मैं इसे बजाने की कोशिश कर रही थी। नहीं बेवकूफ, तू इस घर में जो काम करने के लिए आई है वही कर। झाड़ू कटका साफ सफाई घर में करने के लिए हजारों काम है। सारा कामकाज खत्म करके आई हूँ। तो फिर पर्दे चादरें गुलाब वो जाके धो। वो तो धोबन का काम है। देख, धोबन को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तू तीन तीन बार खाना यहाँ ठोस ठोस कर खाती है, कपड़े नहीं धो सकती? जाकर कपड़े धो। बाप का प्यानो समझ रखा है? मुसीबत नहीं की। ए बेवकूफ, रुक जा, तू मुझे जानबूझकर तंग कर रही है? हाँ, मैं तुझे एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जा यहाँ से, मैं कहता हूँ फौरन निकल जा इसी वक्त। तुम कहोगे तो मैं चली जाऊंगी क्या? क्यों, तुझे प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी चाहिए क्या? मुझे तुम्हारी फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, जो मुझे यहाँ लेकर आया था उसे बुला कर लाओ तो मैं जाऊंगी। ओहो, तो ये बात है? हाँ हाँ, यही बात है। ठीक है, मैं उस गधे को अभी लेकर आता हूँ, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं तुझे एक मिनट भी यहां नहीं रहने दूंगा। पंडित जी, मसाले वाली चाय। और
जज साहब आइए आइए, प्रणाम प्रणाम। तुम्हें पता है कि वो बदमाश प्रीतम कहाँ है? 3 दिन से दिखा नहीं वो। अगर वो लुच्चा लफंगा कहीं नजर आए तो उससे कहना कि मुझे घर पर आकर मिले। फ्रॉड नहीं का। जज साहब कोई समस्या है? जूतों से उसकी पिटाई करूंगा और मैं उसे जान से। हाँ अरे प्रीतम बात क्या है? लगता है मेरी पिटाई होने वाली है। ऐसी बात है? हाँ। बुड्ढा मुझे क्यों ढूंढ रहा था? मैं क्या जानू? देखो झूठ मत बोलो, मुझे पता चला है वो मुझे पीटना चाहता है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। सच बताओ हुआ क्या? हम दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रहे थे ताकि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। ये कैसी उलझन खड़ी कर दी तुमने? मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया था? उसे झगड़ा करने के लिए या उसके नजदीक आने के लिए? मैं क्या करूं, मैंने चारों हथियार आजमा लिए, वो तो बहुत ही ऊंधी खोपड़ी के हैं। अपने बाप के बारे में ऐसा कह रही हो? कैसे ना कहूं, वो एक के बाद दूसरा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, मैं कितना भी बचने की कोशिश करूं वो लपेट में ले ही लेते हैं। ठीक है, मैं 1-2 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ। हाँ। तब तक तुम अपना झगड़ा निपटा कर उसे दोस्ती कर लो। ठीक है। आदमी दिल का बुरा नहीं है, सिर्फ बड़ी मूछों की वजह से डरावना लगता है। घबराओ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पूछ रहा हूं कि इस मूछ का बाकी हिस्सा कहां गया? मैं क्या जानू, शायद कोई कॉकरोच खा गया होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि किस कॉकरोच ने खाई है। कुछ भी कहो, अब आप बहुत सुंदर लगते हो। जब वो दोनों चोंचे सींग की तरह निकले हुए थे ना, तो आप जंगली भैंसा लगते थे, अब ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी दिन तुम्हें मेरा थोबड़ा ठीक नहीं लगा तो सोते में मेरी गर्दन ही काट दोगी। बदमाशी की भी कोई हद होती है। तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, वरना तुम्हें एक छापड़ देता और चुटिया से पकड़कर धोबी पटड़ा मारकर उबलते पानी में से निकालकर तौलिए की तरह निचोड़कर उस पर केरोसिन छिड़ककर आग लगाकर तुम्हारे 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मैंने तुझे यहां से नहीं निकाल दिया ना, तो मेरा नाम भी जस्टिस गोपीचंद वर्मा नहीं, गधे की बच्ची साली कॉकरोच कहेगी। हाँ बस रोक ले। अबे रोक ना, पानी में ले जाएगा क्या? हाँ बस। क्यों भाई कितना किराया हुआ? 20 रुपए। घोड़ा गाड़ी की कीमत नहीं पूछी, इससे सस्ता तो हॉस्पिटल में था। ये ले। अबे ये हा? दफा हो जा। क्या साहब, इतने में तो घोड़े का चारा भी नहीं आएगा। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। अरे जगन, रुक जाओ। नहीं रुकूंगा। अरे रुक जाओ, मुझे गायब है लेकिन मैं तुम्हें पहचानती हूँ। अरे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हें फोटो की है। अरे रुक जाओ, सुनो तो। नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। अरे प्रीतम कहाँ है? वो गया बाहर में, लेकिन एक बात समझ में आ गई है, उसने तुम्हें भेजा है, मेरी जान के पीछे पड़ गया है। अरे मुझे मालूम है पीछे तुम हो।
क्या कर रही है? ये नहाने के लिए गर्म पानी। नीचे रख, रख नीचे रख। आइंदा इस घर की किसी चीज को छूना मत। मैं सब समझता हूँ। वो बदमाश यहाँ से गायब हो गया है। जब तक वो वापस ना आ जाए तुझे एक बूंद पानी नहीं मिलेगा इस घर में। तू भूखी प्यासी इधर उधर भटकती फिरेगी। तू क्या समझती है मुझे बेवकूफ बना सकती है? मैं तुझसे हारने वाला नहीं हूं। मैं आजा। अरे खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? कुछ कर। क्या मैं छू सकती हूँ? हाँ, अब तू मुझे छू सकती है। कार सब बेकार। सात दिन से खाना नहीं खाया सरकार। खाना नहीं खाया? नहीं। क्यों, बंगले में खाना लगाने के लिए तुम्हारे नौकर चाकर नहीं थे क्या? मुर्दे को लात मत मारो मालिक। तब तो तुमने मुझे मालिक नहीं कुछ और ही कहा था। अब मालिक कह रहा हूँ, जज साहब कह रहा हूँ, भगवान कह रहा हूँ, इसमें कुछ गलती है का? नहीं नहीं,
उस दिन जब तुम कार खरीदने गए थे तब तुमने मुझसे क्या कहा था? मैं सच बोलूं मालिक, अगर आप विश्वास करें। बोलो। मालिक मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। कुछ याद नहीं? कुछ याद नहीं। मुझे याद है, तुमने इन्हें भैंस का गोबर कहा था। अभी भी तुम्हारा जी नहीं भरा ना? शायद यही है सारे फसाद की जड़। इसने हमसे कहा था कि हमारी लॉटरी लग गई है, और इसने कहा था जब हम बंगला और मोटर खरीदेंगे ना तो ये घटिया नौकरी छोड़कर हमारे बंगले में आकर नौकरी करेगी। नहीं कहा था? सरकार देखो कितनी झूठी है ये, देखिए देखिए देखिए। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है खराब तो नहीं हो गया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आजकल वो बहुत हंसते हैं, दिल खोल कर हंसते हैं। ये बात है तो अब देखना यह है कि सच कहने का वक्त आ गया है या नहीं। अब वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब तक के मैं जो भागा फिरता था कल उसे मिलने आ जाऊंगा, फिर पसंद और नापसंद का फैसला हो जाएगा। कौन है? कौन था? पता नहीं, मैंने भी सिर्फ एक परछाई देखी। पहले पहले हम हूँ समझे थे कि ससुर पगली आए गए। तुम्हारी बात से समझ नहीं आया कि जस सामने वाकई तो मिली आ गई है। अब हमारे बाप को गाली देना बंद कर दिए हैं। कुछ भी कहो, लड़की है बड़ी चालाक, जस साहब तो पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है, लेकिन वो लड़की प्रीतम की लगती क्या है? कोई दूर की रिश्तेदार नहीं है, यही कहकर प्रीतम ने उसको वहाँ लगवाया था। डॉक्टर। हेलो। शुक्र है बुड्ढे का निशाना कमजोर था और मैं बच गया। जानते हो ऑपरेशन करके शरीर से 5 गोलियां निकाली हैं। अच्छा, कहीं मेरे जिस्म से बम के गोले और रॉकेट तो नहीं निकले ना? मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक चमक उठी, आवाज आई और बस। बाहर पुलिस खड़ी है। खड़ी है तो अंदर बुला लो, खड़े खड़े थक गए होंगे। तुम पर चोरी का इल्जाम भी लगाया है। उनसे कहो कि मुझ पर चोरी का इल्जाम काट के कत्ल का इल्जाम लगा दें और मुझे फांसी दे दें। सर। अरे प्रीतम, कहाँ चले गए थे तुम? क्या कहूँ सर,
दो मेमो के साथ गुडलूर तक गया था, लौटने पर ही हालात का पता चला। कहाँ है वो छोकरी? नंदिनी, ए नंदिनी, बाहर निकल। मेरी ठुकाई होनी चाहिए, लावारिस लड़की की मदद करने चला था। अरे भाई जाने भी दो, बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर, काहे की बच्ची पली पलाई सड़नी है। अरे रुक जाओ प्रीतम, मेरी बात तो आप चुप रहिए। कल तक आप मुझे प्रीतम कहते थे और अब लुच्चा लफंगा बदमाश कहने लगे। मैंने कब कहा? चाय की दुकान पर 10 आदमी गवाए, बोलो कहा था कि नहीं, बोलो। हाँ कहा था लेकिन। किसके कारण? इस छोकरी के कारण। और आपने ये भी कहा कि अगर मैं आपको मिल गया तो आप मुझे चप्पल से मार कर, उल्टा टंगवा कर, भरे बाजार घसीट कर, मेरी बोटियां कर करके कुत्तों को खिला देंगे। मैंने ये नहीं कहा था। चप्पल से मारेंगे कहा था ना? हाँ ये तो कहा था। उल्टा टंगवा देंगे कहा था ना? हाँ ये भी कहा था। बाजार में घसीट कर ले जाएंगे कहा था ना? नहीं नहीं ये मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था मेरी बोटियां करके कुत्तों को खिला देंगे? हाँ ये कहा था। किसके कारण? इस नाशुक्री के कारण। दूंगा एक हाथ, चल बोलिए विश्वास और निकल यहाँ से। मक्कार कहीं की? अरे भाई प्रीतम। मानता हूँ सर, सारा दोष मेरा है। जब ये लड़की मेरे पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाई थी तो मैं समझा सीधी लड़की है। हाँ बिल्कुल सीधी लड़की है, मगर है जहर की पुड़िया। यू शट अप। अब एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा मैं। देखो भाई प्रीतम, ये सारी गलती मेरी ही है। जानता हूँ सर, ये लड़की यहाँ पर जब आई थी तो मेरे भरोसे पर। अब मैं गलती सुधार दूंगा। हाँ तो हरिद्वार जाके अपना मुंडन करवा लो, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ए बद्री, यू गेट आउट। देखो भाई प्रीतम, शुरू शुरू में मुझे तुम पर गुस्सा आया था और अब इस गुस्ताख लड़की पर। क्यों रे मक्कार, आई थी भीगी बिल्ली बनकर और अब खा पी कर फूल गई है तो जबान चलाने लगी है। चल निकल यहाँ से। निकल, अच्छा है कि ये बला यहाँ से टल रही है। तुम अपनी जुबान बंद करो। ये सच है कि मैंने तुम्हें गालियाँ दी। जानता हूँ सर, आप इसे गालियाँ नहीं दे सकते थे इसलिए मुझे दी। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं आपके जज्बात समझता हूँ। भाई मेरा सारा गुस्सा अब हवा होता है। ऐसा ही होता है, गुस्से की हद होती है, उसके बाद पिटाई की बारी आती है। क्योंकि ये लड़की है आप वो भी नहीं कर पाए। अरे भाई सुनो मेरी बात तो सुनो। मारना चाहिए था, मार मार कर भुट्टा बना देना चाहिए था। आपको पूछने वाला कौन है सर? देखो प्रीतम, जब मैं बीमार था ना तो ये अपनी जगह से हिली नहीं होगी, मैं जानता हूँ। नहीं नहीं इसी की वजह से आपने इतने दुख उठाए, सिर्फ इतना ही काफी है इसे निकालने के लिए। चल निकल जा। रुक जाओ, अब और कुछ मत कहना। कुछ भी हो इसके यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यहाँ से नहीं जाएगी, मैं इसे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरा और इसका कोई झगड़ा नहीं है, दरअसल ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं कहता हूँ इसे, तू इसके बारे में कुछ नहीं। आपको एक गाली दे सकता हूं? ए बुढ़े बदमाश। बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओ बोला मैं।
बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जिंदगी से हाथों बैठोगी। निकल जाओ यहां से, ऐसे गेट आउट। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊं? तुम्हारे बाप ने इसको यहां रखा है बेटा, तुम क्या कर रहे हो? कहां डैडी? कोयंबटूर गए हैं। डैडी के आने से पहले ये लड़की यहां से चली जानी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कह देता हूं। कहां ढूंढू मैं? नंदिनी को क्यों मारा? तू पूछने वाला कौन होता है? माई बाप कहने वाले सर पर बैठने कब से लग गए? नंदिनी को उस घर में मैं लेके गया था। तो अब यह धंधा शुरू कर दिया तूने? हाँ मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो तुम? ये खेल आप खेल रहे हैं डैडी। आप बेटी और बेटी का गुंडा। अब आप सबको मेरे सामने मिलकर नाटक करने की जरूरत नहीं है। शट अप। धमकी मत दीजिए। अब मैं खामोश रहने वाला नहीं हूँ। खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला तो। गेट आउट। ठीक है, लेकिन याद रखना बहुत जल्दी लौटूंगा, वो भी आपके सारे परिवार के साथ। अच्छा, बेटी अपने बाप से मिलने आई है, एम आई करेक्ट? तो फिर ये सब नाटक क्यों? बदले की भावना से या अपना अधिकार जताने के लिए? एक्सेलेंट प्रीतम, एक्सेलेंट, तुमने तो कमाल कर दिया। क्योंकि तुम मेरे बहुत करीब आ चुके थे और मुझे अच्छी तरह से जानने लगे थे, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे बेवकूफ बना सके। खैर, जाने दो। अब ये बताओ कि इस धंधे में तुम्हारा हिस्सा कितना है? सर, मुझे अपने लिए कुछ, मैं तो नंदिनी के लिए। समझाने की कोशिश में बात को और उलझाओ मत। ताना बाना बहुत पेचीदा है, समझने में वक्त लगेगा, और मैं इस वक्त समझने की स्थिति में नहीं हूं। आई एम शॉक्ड।
बद्रे, अरे ओ बद्रे। क्यों आए हो तुम सब यहाँ? अब हम सब ने फैसला किया कि हम आपके साथ ही रहेंगे। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगे तो? आपको क्या क्या अच्छा लगता है वो सब हम जानते हैं, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। हमें अभिमान था कि हमारे डैड सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है बरफरदार कि तुम्हारा अभिमान चकनाचूर हो गया? अब और होना बाकी ही क्या है? आप अपने ही परिवार को भूल के अपनी नाजायज बेटी के साथ रह रहे, क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, ये कभी सोचा आपने? शट अप, बकवास बंद करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरा ही दिया हुआ है, तुम्हारे पास अपना है ही क्या जिसे खो बैठोगे? मैं जैसे जी चाहेगा रहूंगा, तुम लोगों के लिए इज्जत कमाने के लिए नहीं, समझे? पिताजी, मैंने हमेशा आपका साथ दिया, लेकिन आप अपनी औलाद और उनके बच्चों को भूल गए। ससुर साहब, इन सबको पहचानते हैं? इनके नाम जानते हैं? नहीं, पोता पोती अपने दादा को नहीं पहचानते, भतीजे अपने अंकल को नहीं जानते। शुक्र है बेटा बेटी अपने बाप को तो जानते हैं। हमने ऐसा क्या किया है पिताजी कि आप हम सबसे नफरत करते हैं? जब मैंने आपसे इस लड़की की परवरिश करने के लिए मना किया तो आप घर ही छोड़कर चले गए, ये कहकर कि अगर मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता तो तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा। लेकिन अब जबकि ये लड़की इस घर में रह सकती है, हम लोग यहाँ क्यों नहीं रह सकते? आज हम बस एक ही बात जानना चाहते हैं कि आपको अपना परिवार प्यारा है या ये लड़की? कह दीजिए पिताजी, कौन यहाँ से जाए ताकि सारा फसाद खत्म हो जाए। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन तुम जानती हो कि सवाल कितनी जिंदगियों का है। क्या ये बेहतर ना होगा कि सारे परिवार को कुर्बानी देने की बजाय कोई एक ही अपनी कुर्बानी दे? नंदिनी, अगर तुम्हारे सीने में दिल है तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अर्जुन, केसी बोल रहा हूँ, वो समद खान का है, उस तक एक पैगाम पहुंचाना है। देखो वो लड़की यहां से तो निकल गई, लेकिन अगर अंकल ने इरादा बदल दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो समद खान से कह देना कि नंदिनी की लाश तक किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अरे डियर, समझ गए ना? हाँ, नंदिनी कहाँ है? तो तू है का प्रीतम, तू मेरे बंदे नो कुटिया, मैं तेरा इंतजार कर रहा सी। मैं नंदिनी को लेने आया हूँ। मैं पता सी तू उन्हें लेने जरूर आएगा। मैं पूछता हूँ नंदिनी कहाँ है? ओए छोड़ दे, पूरा बाजार मेरा आएगा,
मेरे एक इशारे से मेरे बंदे तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पर असी तेनू एक मौका और देवांगे। सुना है तू बहुत बहादुर बंदा है, मैं अपना ये रुमाल इससे रखता हूं, जे तू यह रुमाल हासिल कर लिया ता तू कुड़ी नू अपने नाल ले जाई। तू किन्ना कु तगड़ा है ध्यान देखेगा।
हाँ, मैं जानता था तू सो नहीं रहा है। अरे तू सो पाएगा भी नहीं। जिस बेटी को तूने घर से निकाल दिया उसे तेरे बेटे और दामाद ने गुंडों के हवाले कर दिया उसका खून करने के लिए। मैं भी उतना ही बुरा बन सकता हूँ जितना कि ये। लड़कर उसे जिंदा बचा लाया हूँ, सुना? वो जिंदा है। वर्मा, मैं जानता हूँ इस चाल में तू भी शामिल है। बहुत दौलत है तेरे पास, हा? तू और भी गुंडे खरीदेगा तो खरीद, मैं उससे भी टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ वक्त और मकाम बता दे, मेरे लिए आसान हो जाएगा। अरे इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर तूने बहुत फैसला सुनाया है, तो फिर कहाँ चला गया तेरा इंसाफ? जब तेरी अपनी बेटी तुझसे इंसाफ की भीख मांग रही थी। बोल, अपनी हवस मिटाते वक्त तो तुझे बहुत मजा आया होगा, नहीं? तब तुझे अपनी मान और मर्यादा का ख्याल नहीं आया? अब तक के वो बिना बाप के जिंदा रही है और अब भी जिंदा रहेगी। है कोई जो उसे जिंदा नहीं रहने देगा? अगर है तो सामने आए। मैं जानता हूँ बाप तो साला बुज़दिल है, अगर बेटे या दामाद में कोई दम है तो बाहर निकले, एक एक को देख लूंगा। है कोई? कोई नहीं है? सब के सब डरपोक है। गुड नाइट योर ऑनर। गुड नाइट। कल रात शराब के नशे में काफी कुछ उल्टा सीधा बग गया था। अब नशा उतर चुका है। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था ताकि होश में वही बात दोहरा सकूं। नशे में कहे हुए सच को मैं पहचानता हूं और होश में कहे हुए झूठ को भी। प्रीतम, तुम्हारी तरह मेरा भी कोई ऐसा नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। एक बीवी है जो स्टैम्प पेपर पर सारी जायदाद लिखवा लेना चाहती है। बेटे और दामाद को तो तुम जानते ही हो। एक तरह से मैं भी तुम्हारी तरह यतीम ही हूं। अगर मेरा कोई अपना था तो बैरिस्टर गोविंद राम जी। मैं हाई कोर्ट की कैंटीन में काम किया करता था, वकीलों को चाय कॉफी पिलाया करता था। गोविंद राम जी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और कैंटीन से उठाकर सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। उनकी तस्वीर आज भी मेरे घर में लगी हुई है। उन्हीं की इज्जत की खातिर मैं बहुत सी बातों पर पर्दा डालता रहा, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। नंदिनी को उसका बाप मिल जाएगा। मेरे जमीर की अदालत में एक मुकदमा परसों से चल रहा है। आज मैं उस मुकदमे का फैसला आप लोगों को सुनाता हूं। मैंने अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ नंदिनी की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई, इसीलिए मुझे अपने घर वालों से नाता तोड़ना पड़ा और मैं यहां रहने के लिए आ गया। मेरी गैरहाजिरी में मेरे घर वालों ने इसे पागल करार दिया और पागलखाने में डाल दिया, लेकिन तकदीर ने इसे इसके बाप के साथ लाकर मिला दिया। मैं चाहता हूं कि ये दो न्यायाधीश नंदिनी के साथ इंसाफ करें। जस्टिस माया देवी, वो दिन याद है तुम्हें जब तुम अपना गुनाह कबूल करने के लिए मेरे पास आई थी? गोपाल ने मुझे धोखा दिया है। जब मैंने उसे कहा कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, तब उसने मुझे पहली बार बताया कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो शादीशुदा है। अब ऐसे हालात में आत्महत्या के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। तुम इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकती माया। ये करतूत करते वक्त तुमने जरा भी नहीं सोचा कि तुम किस महान बाप की बेटी हो। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। मैं उस आदमी को मिलने गया जिसकी वजह से माया अनब्याही मां बनने वाली थी।
उस आदमी गोपाल को मैं अपने भाई जैसा समझता था। जस्टिस गोपाल श्रीवास्तव, आपको वो घड़ी याद है? मैं तो शादीशुदा हूं, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। अजीब आदमी हो, फिर तुमने उसे क्यों धोखा दिया, क्यों झूठी तसल्लियां दी? बच्चा पैदा होने के बाद कौन जिम्मेदार होगा? जो कुछ हुआ उसका मैं जिम्मेदार अकेला नहीं हूं, उसमें वो भी शामिल है। Shut up, you liar! मैंने अपने घर में तुझे पूरी आजादी दी, क्योंकि आज तक मैं तुझे अपना छोटा भाई समझता रहा, वही सबसे बड़ी गलती हुई, और अब ये गलती सिर्फ तेरे खून से मिटाई जा सकती है। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने तेरा खून किया तो सारा रात खुल जाएगा और मेरी जिंदगी बनाने वाले की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या इसी बहाने मैं तुझे जिंदा छोड़ता हूं? अब मेरे सामने सिवाय इसके दूसरा कोई चारा न रहा कि मैं होने वाले बच्चे को अपना नाम दूं। मैं माया को लेकर एक हिल स्टेशन चला गया और वहां नंदिनी का जन्म हुआ। उसके बाद मैंने माया की शादी करवा दी और इस बात को राजी रखा, सब खुश रहे सिवाय मेरे। ये मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर आप समझते हैं कि आप अपनी गलतियां दूसरों पे थोप देंगे? नहीं, मेरे माथे पर तो कलंक का टीका लगा ही हुआ है, किसी और के सामने मैं इसकी सफाई पेश करने की जरूरत महसूस नहीं करता। लेकिन मुझे इस मासूम लड़की को नाजायज औलाद होने की बदनामी से बचाना है। कुदरत ने तुम्हें सजा दी है, इसीलिए तुम्हारी अपनी कोई औलाद ना हो सकी, और तुम्हें भी सजा मिल चुकी है। शादी के एक महीने के बाद ही तुम विधवा हो गई। यही वक्त है कि तुम अपने किए का प्रायश्चित कर सकते हो। क्या तुम दोनों अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकोगे कि यह तुम्हारी औलाद नहीं? अगर तुम दोनों में से किसी को यह मंजूर नहीं तो मैं इसे अपनी बेटी अपनाने के लिए तैयार हूं। तेरी औलाद रहकर तुम्हारे कर्मों का भुगतान मैं आज तक भुगत रही हूं। हो सकता है तुम अपनी इज्जत और मान की वजह से इसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दो, लेकिन मुझे बेटी चाहिए, इसे अपना लो। बेटे चलिए, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बेटी कहां है। अपने गुनाह के एहसास से मेरी कभी हिम्मत ही नहीं कि मैं किसी से पूछूं। वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि जिस बेटी को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है मेरे होते वो किसी और को अपनी मां कहे। बेटी माफ कर दे मुझे, क्षमा कर दे, एक सिर्फ एक और मौका दे दे मुझे, बस करो ये सब, नहीं चाहिए मुझे ये मां ये बाप। क्यों कोई भी राह चलता है यतीम का बाप बन सकता है, बाप बन सकती है, अदालत में सबूत पेश किए जा सकते हैं, कहां पेश किए जा सकते हैं? जज बाप को अपनी बेटी का खर्चा देने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन क्या एक जज बाप को मजबूर कर सकता है कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ बेटी के नाम नखरे उठाए, उसके अरमान पूरे करे, उसे अपने दिल से प्यार करे? नहीं, कभी नहीं। लेकिन यहां ऐसा ही हुआ। मुझे जिस बात की तलाश थी उसे मैंने पा लिया, अब मुझे किसी और को अपना कहने की जरूरत नहीं। बचपन से जिसने मेरे दिल के खालीपन को अपनी मिठास और प्यार से भरा है वही मेरा बाप है, वही मेरी मां है। मुझे नहीं सुना सच्चाई क्या है, मैंने अपने बाप की जो तस्वीर दिल में बना रखी है उसे मिटाने को मत कहो।
तेरी बेटी। अब तुम नहीं जा सकती। हो सकता है अपनी लालच और जलन की वजह से हमने तुम्हारे पे बहुत जुल्म किया हो। देखो, हमें माफ कर दो। हम लोगों ने तुझे बहुत दुख दिए हैं बेटी। अपने अन्याय का बदला हम जरूर चुकाएंगे। तू भी इस परिवार का एक अंग है। अब तू कहीं नहीं जाएगी बेटी, कहीं नहीं जाएगी। तुम लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। कहीं तुम्हारे पश्चाताप मुझे खुश करने के लिए तो नहीं? नहीं बाबूजी, मुझे एहसास हो गया कि परिवार के टूटने से किसी को कोई फायदा नहीं। गई गुजरी बातों को भूल जाइए। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बस इतना ही कहना है मुझे। गुड। मैं आज तक जिंदगी में किसी का एहसान लेकर नहीं जिया, लेकिन एक शख्स है जिसका एहसान मुझ पर है, और वो है तुम्हारा। मैं शुक्रिया के अलावा तुम्हें और क्या दे सकता हूं? सर, मैंने किसी से भी कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं रखी है, क्योंकि जब भी किसी से उम्मीद की, मैं उसे ही मिली। मैंने अपना वनवास खत्म करने का फैसला कर लिया है, और मैं अपने परिवार के साथ घर लौट जाऊंगा। तुम कल सुबह रेलवे स्टेशन पर आ जाना मुझे अलविदा कहने के लिए। हेलो। तुम्हें छोड़ने के बाद मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। एक अजनबी लड़की के लिए क्यों लड़े थे हम दोनों? हम नहीं, तुम लड़े थे। एक लड़की को राजकुमारी बनाकर उसके साथ खेल रहा था। खेल खत्म हुआ, वो अपनी राह चल दी और मैं यही रह गया। वो चली गई? कल जा रही है, उसे अपना परिवार मिल गया है। तुमसे कुछ कहा नहीं? कहा, गुड बाय। गुड बाय कहा? बोली कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से कहा गुड बाय। भाड़ में जाए, अगर गुड बाय है तो गुड बाय सही, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। वो आई, उसने देखा और लूट के ले गई। वो भी जो चाहती थी, वो भी जो वो नहीं चाहती थी। यहाँ आने वाले सब मुसाफिर होते हैं, कुछ रोज घूमेंगे फिरेंगे लौट जाएंगे, और हम भांड और बंदर उन्हें हंसाते हैं, उनका दिल बहलाते हैं। हमें कोई हक नहीं है उन्हें चाहने का, उन्हें प्यार करने का। हमें तो सिर्फ दो ही लफ्ज याद रखने चाहिए, वेलकम गुड बाय। अगर हम इन दो लफ्जों से आगे ना बढ़े तो हमेशा खुश रहेंगे। हमेशा खुश रहेंगे। प्रीतम, तुम्हें नंदिनी पसंद है, और उसे तुम? मैंने कभी पूछा नहीं।